हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष राव सर, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर, आप सभी बच्चों का सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेटा स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो डीसीएम का है डीटीएस 24, जिसका अपना टॉपिक है बेटा बायोलॉजी में एड्स जो है वो है। इसमें टॉपिक का जो नेम रहेगा वो है एनिमल किंगडम एंड एनिमल हिस्टोलॉजी, कॉकरोच एंड फ्रॉग। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बेटा वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। भाई मैच करना है और जो आंसर करेक्ट है वो अपने को सेलेक्ट करना है। जो कोनोसाइट्स होते हैं बेटा, जिनको हम कॉलर सेल कहते हैं, कॉलर सेल्स कहते हैं, ठीक है, ये सेल्स कहां होते हैं, अपने जो जो पोरिफेरा है बेटा इनके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। जो नाइडोब्लास्ट है जिनको हम नाइडोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, जो निडेरिया होता है बेटा वहीं से ये वर्ड रिलेट होके आया है। ये कहां प्रेजेंट होता है, अपने जो सेलेंटेट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर एक पॉइजन प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से बेटा वो ये जो निडेरिया है ये अपने प्रे को कुछ समय के लिए बेहोश कर देती है बेटा, ठीक है। फ्लेम सेल्स जो है ये एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं, ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करती हैं बेटा। ये अपने जो प्लेटी एलमेंथिस होते हैं बेटा उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। दूसरा आता है कॉम्प्लेट, 8 प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, किन के अंदर, जो टीनोफोरा है बेटा उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ए का थर्ड, बी का फोर्थ रहेगा बेटा, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। तो आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट जो है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सीलेंट्रेट्स। भाई सीलेंट्रेट्स उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दे पोसेस द सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग। हाँ भाई, एक ओपनिंग के साथ इनके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है बेटा वो प्रेजेंट होता है, एकदम करेक्ट। द पॉलीफॉर्म इज मोटाइल, पॉलीप मोटाइल नहीं होती बेटा, ससाइल होती है, स्थिर होती है। और मेडुसा क्या होता है, जो मोटाइल है वो होती है, मोटाइल फॉर्म है, ठीक है, तो ये ससाइल नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बोथ पॉलीप एंड मेडुसा फॉर्म्स आर मोटाइल, दोनों मोटाइल नहीं हो सकती बेटा, गतिशील या गतिमान नहीं रहती हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ जो है, द मेडुसा फॉर्म इज मोटाइल एंड सिलेंड्रिकल। भाई ये बात तो करेक्ट है कि जो मेडुसा है बेटा वो मोटाइल तो है लेकिन सिलेंड्रिकल शेप का नहीं होता बेटा। सिलेंड्रिकल शेप जो है वो किसकी होती है, पॉलीफॉर्म की होती है। इसकी जो शेप है बेटा वो अम्ब्रेला शेप होती है, अम्ब्रेला शेप होता है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो हो गया फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ट्रू मेटाजेनेसिस इन निडेरियंस इज, जो वास्तविक पीढ़ी एकाकरण है बेटा वो किसके अंदर होता है, एकांतरण जो हुआ मतलब मेटा जो जेनेसिस प्रोसेस है बेटा वो किन के अंदर होती है, निडेरियंस के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, जो पॉलिप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेडुसा में, और मेडुसा पॉलिप के अंदर। ये जो कन्वर्ट हुआ पॉलिप मेडुसा में एसेक्सुअल फॉर्म से बेटा, और ये एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं, व्हेन मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली, मेडुसा बना रहा है पॉलिप एसेक्सुअली। बेटा ये बताओ, मेडुसा जो बनाता है पॉलिप का वो तो सेक्सुअली बनाता है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। सेकंड क्या कहता है कि व्हेन पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूस कर रहा है मेडुसा को एसेक्सुअली, करेक्ट। एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, मेडुसा बना रहा है पॉलिप को सेक्सुअली, ये करेक्ट हो गया बेटा। व्हेन मेडुसा प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली, ठीक है, तो ये इसके संदर्भ में बेटा इनकरेक्ट है, मेटाजेनेसिस के संदर्भ में। व्हेन पॉलिप प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो अपना जो आंसर है थर्ड का वो क्या हो जाता है, अपना सेकेंड आंसर हो जाता है। हाँ बेटा जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या दिया है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म
कैन बी ऑब्जर्व इन एस्कैरिस विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जो लैंगिक द्विपार्श्विता बेटा वो देखी गई है एस्कैरिस के अंदर, उसका क्या रीजन है बेटा? मेल और फीमेल एस्कैरिस के अंदर बेटा अलग अलग होते हैं। जो मेल होता है उसका जो टर्मिनल पार्ट है बेटा वो कर्व्ड रहता है, ठीक है? तो ये क्या है, मेल एस्कैरिस, और जो फीमेल एस्कैरिस है उसका साइज भी लॉन्ग होता है और टेल कर्व नहीं रहती है बेटा, तो ये है फीमेल एस्कैरिस, ठीक है? तो यहां पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या रहेगा, फर्स्ट जो पॉइंट है मेल इज लॉन्गर देन फीमेल, नहीं बेटा मेल जो है एस्कैरिस वो छोटे होते हैं फीमेल से, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। सेकंड कहता है मेल इज शॉर्टर देन फीमेल, एकदम करेक्ट है, मेल जो है फीमेल से छोटा होता है, एंड इट्स पोस्टीरियर एंड इज स्ट्रेट, भाई जो पश्च शिरा है वो सीधा होता है, नहीं कॉइल्ड है बेटा, यहां पर कर्व्ड बनाता है, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, फीमेल जो है वो मेल से बड़ी है, ठीक है, एंड इट्स पोस्टीरियर एंड इज स्ट्रेट, भाई इसका जो पश्च शिरा वो सीधा है, एकदम करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, थर्ड करेक्ट हो गया। फोर्थ जो है, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, कहता है कि फीमेल जो है वो मेल से बड़ी है, एंड इट्स पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड, पोस्टीरियर एंड बेटा देखो ये जो पोस्टीरियर एंड है ये वाला ये कर्व नहीं है, इसके अंदर स्ट्रेट होता है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो अपना जो आंसर है बेटा वो क्या हो जाता है, थर्ड। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर कॉमन नेम्स, भाई जो जंतु है उनको उनके जो सामान्य नाम है उनके साथ मिलान करना है। जो एस्कैरिस है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म, जो एनसाइक्लोस्टोमा है बेटा उसको हम कहते हैं हुक वर्म, वुचनेरिया है जिसको हम फिलेरियर वर्म कहते हैं, और जो एंटीबोबोयस है, एंटेरोबोयस जिसको कहते हैं हम उसको पिन वर्म कहते हैं। ये जितने भी हमने ऑर्गेनिजम्स देखे ये सभी क्या है, एस्केहेल्मिंथिस जो होता है बेटा उसके अंदर आए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, सेकंड आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द ग्रुप ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, जो आर्थ्रोपोडा बेटा उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, सिंपल आई, एंटीना एंड स्टेटोसाइट्स ऑनली। बेटा देखो, सिंपल आई के साथ साथ जो आर्थ्रोपोडा के अंदर कंपाउंड आईज भी रहती हैं, तो इस वजह से ये अभी हम इनकरेक्ट करते हैं, क्योंकि कंप्लीटली स्टेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सिंपल के साथ कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट होती है मेनली उनके अंदर, ठीक है। कंपाउंड आईज, जो कंपाउंड आईज तो है, उसके बाद कह रहा है जो ऑस्फिरिडियम जो है बेटा, ऑस्फिरिडियम जो है ये किसके अंदर मिलता है, जो मोलस्क है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, कहां पर, मेंटल कैविटी में, और ये एक केमोसेंसिटिव, ठीक है, केमो रिसेप्टर टाइप का एरिया होता है, एपिथेलियम लेयर बनी होती है बेटा यहां पर, वो रहती है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड जो है, कंपाउंड आई, टेंटिकल्स, स्टेटोसाइट्स, टेंटिकल्स नहीं रहते बेटा, जो हाइड्रा के अंदर रहते हैं, तो इस वजह से इनकरेक्ट हो गई ये। फोर्थ जो है, एंटीना प्रेजेंट होता है सिंपल एंड कंपाउंड दोनों आई दे दी बेटा, और स्टेटोसाइट्स, स्टेटोसाइट्स का काम क्या है, बैलेंसिंग जो ऑर्गन है, बैलेंस ऑर्गन जो है उसकी तरह काम करता है बच्चे, बैलेंस ऑर्गन की तरह, ओके, तो आंसर अपना हो गया फोर्थ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स इज ऑफ सोशल इंसेक्ट्स, इनमें से कौन सा बेटा समूह है जो सामाजिक कीट रहते हैं बेटा, सामाजिक वो कीट है बेटा जो समूह के अंदर रहते हैं, ठीक है, अपने बच्चों की केयरिंग करते हैं, और उसके साथ साथ उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर रहता है कि जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है वो क्या काम करेंगे और सेक्सुअल है वो क्या काम करेंगे बेटा, इनके अंदर डिवीजन का रहता है कि काम कैसे डिवाइड कर रखा होता है, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा वो रहती है आंट्स, हनी बी और टर्माइट्स, ठीक है, टर्माइट्स तो आ गए यहाँ, आंट्स आ गए, जो लोकस्ट है बेटा ये ग्रेगेरियस पेस्ट है, ठीक है, तो इस वजह से इनके अंदर सोशलिज्म नहीं रहता है, तो इनकरेक्ट। बॉम्बे मोरिक्स जो है बेटा सिल्क वॉर्म है,
इनके अंदर भी सोशलिज्म नहीं देखा जाता बेटा, ये अलग अलग काम करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। लेसीफेरा, लाका जो लेसीफेरा है बेटा, लाक लैक कल्चर जो पढ़ते हैं, लाक जो होता है उसका काम करता है बेटा, लोकस्टा भी नहीं आएगा, तो इस वजह से ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो अपना आंसर जो है बेटा वो सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 and 10, तो जो क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है उसका डिस्कशन करते हैं। तो वो है बायोल्यूमिनियंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, बायोल्यूमिनियंस जो है बेटा वो होता क्या है, ठीक है। बायोल्यूमिनियंस का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म बेटा जो लाइट को इमिट करते हैं, मतलब उनके अंदर ऐसा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता है जिसे लाइट इमिट करती है, तो उसके अंदर क्या कहता है, फर्स्ट फ्यू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स, करेक्ट है। एक्वेटिक में जैसे हमने टीनोफोरा देख लिया बेटा, वो लाइट इमिट करता है, और टेरेस्ट्रियल में जब देखते हैं तो आप सभी ने बेटा जुगनू देखा होगा, फायरफ्लाई जिसको कहते हैं, वो आ जाती है। और फ्यू कोर्डेट्स, फ्यू कोर्डेट्स के अंदर बेटा जो हेड स्पॉटेड जो फिश हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, जो डीप ओशन के अंदर मिलती हैं बेटा, तो हेड स्पॉटेड फिश आती हैं, तो यहां पर ये करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है ओनली एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक नहीं बेटा, कुछ टेरिस्टियल भी दिखाई दे रहे हैं हमें। ओनली सम इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, नहीं, वर्टिब्रेट्स भी जो कोर्डेट्स हैं बेटा उनके अंदर भी आ गए, जो हमारे ट्यूनिकेट्स होते हैं बेटा वो भी आते हैं जो लाइट इमिट करते हैं। ओनली सम इनवर्टिब्रेट्स, केवल इनवर्टिब्रेट्स ही नहीं बेटा, तो अपना आंसर जो है बेटा बायोल्यूमिनेंस के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, कॉमन फीचर्स इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच इज, भाई अर्थवर्म और कॉकरोच जो है उन दोनों के अंदर एक समान जो लक्षण है वो कौन सा रहता है बेटा। फर्स्ट क्यूटिकल एग्जोस्केलेटन, जो क्यूटिकल है बेटा वो हार्ड एग्जोस्केलेटन तो कॉकरोच के अंदर मिलता है, लेकिन इनके अंदर बेटा क्या होता है, सॉफ्ट मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, तो दोनों अलग अलग हो गई ना, तो वो नहीं रहेगा बेटा, इनकरेक्ट हो गया, एग्जोस्केलेटन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा बेटा वहां पर, यहां पर मॉइस्ट मेम्ब्रेन रहती है। सेकंड सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठोस और अद्र तंत्रिका रज्जु उपस्थित रहती है बेटा, ये करेक्ट है, दोनों के अंदर डोर्सल साइड में एक ठोस नर्व कॉर्ड जो होती है बेटा, कठोर जो नर्व कॉर्ड है वो उपस्थित रहती है। नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, किसका, अर्थवर्म का। और जो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन किसका बेटा, कॉकरोच का, ठीक है। तो अपना आंसर जो है बेटा वो क्या हो जाता है, सेकंड। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान प्रेजेंट इन, ब्लाइंड सैक जो बॉडी प्लान है बेटा वो होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी गट होता है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी सिंगल ओपनिंग होता है, क्या होता है, सिंगल ओपनिंग। ठीक है, जैसे हम हाइड्रा की बात करें तो उसके अंदर क्या रहता है बेटा, एक ही सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, यहीं से फूड एंटर करता है और यहीं से फिर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बेटा वो रिलीज आउट हो जाता है। इस तरह की जो एलिमेंट्री कैनाल का जो डाइजेस्टिव कैनाल दिखती है बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। अर्थवर्म के अंदर बेटा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, तो उसमें क्या होता है, ट्यूब इन ए ट्यूब, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल बेटा वो प्रेजेंट होती है, तो ब्लाइंड सैक नहीं मिला इसके अंदर रहता है, तो ये आंसर नहीं आ सकता, एक इनकरेक्ट और एक करेक्ट बेटा। साइकोन, साइकोन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा वो पूर्ण रूप से एब्सेंट रहता है, तो ये भी नहीं आ सकता, हाँ हाइड्रा में प्रेजेंट है, लेकिन आंसर तो इनकरेक्ट हो गया। फेशियोला और हाइड्रा दोनों के अंदर अंधकोश शरीर जिसको कहते हैं वैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। लीच और हाइड्रा, हाइड्रा में तो है, लेकिन लीच जो है बेटा उसके अंदर कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दोनों ओपनिंग्स जो होती हैं, ठीक है, माउथ और एनस की, वो अलग अलग रहती है, तो इस वजह से ये भी नहीं आ सकता, तो अपना आंसर जो है बेटा वो हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द
ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, भाई एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए और दूसरा रेडियल होने चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो एस्टेरिस, एस्टेरिस जो है बेटा वो इकाइनोडर्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और रेडियल सिमेट्री रहती है। जितने भी इकाइनोडर्म्स है बेटा, उनके लार्वा स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री रहती है और जो इनका अडल्ट स्टेज है बेटा उसके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है, ठीक है बेटा। क्या मिलती है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट है सर, ये जो ओफीरिया है बेटा, ओफीरिया जो होता है वो भी क्या है, एक इकाइनोडर्म है, उसके अंदर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों लेयर प्रेजेंट होंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? थ्री जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स जो होती हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों प्रेजेंट होती है बेटा, तो ये भी करेक्ट है। एडेमिशिया, एडेमिशिया नहीं रहेगा बेटा, क्यों? क्योंकि एडेमिशिया जो है और जो पेनेटुला है बेटा, ये दोनों क्या हो गए? सिलेंट्रेट्स, इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते बेटा, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। सिमेट्री तो रेडियल रहती है, लेकिन ये कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते, ट्रिप्लो नहीं रहते, तो ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट हो गया। डीबी टीनोप्लेना, टीनोप्लेना जो है बेटा ये भी क्या है, ये टीनो फोरा के अंदर आता है बेटा, रेडियल सिमेट्री तो होती है लेकिन ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सही कौन कौन से हैं? ए एंड बी, जो अपने आंसर सेकंड के अंदर लिखा बेटा सही पूछा है, ए एंड बी आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, भाई उन एनिमल्स का चयन कीजिए इन विच ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू द सेम फाइला, एक ही फाइला से जो बिलोंग कर रहे हैं बेटा, एक संघ से जो बिलोंग कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। साइकन, स्पोंजिला, यूस्पोंजिला, सारे पॉलीफेरा हैं, लेकिन जो ओबिलिया लिख दे बेटा ये क्या है? निडेरिया, जिसको सिलेंट्रेट कहते हैं, ये निडेरिया हो गया, तो इस वजह से ये तो इनकरेक्ट हो गया सर। फाइसिलिया, ओबिलिया, जो मेंड्रेना है बेटा, जिसको ब्रेन कोरल कहते हैं, ये तो एक जो अपना एक फाइला है, एक संघ है, उससे आ जाते हैं, जो किसके अंदर आती है? निडेरियंस के अंदर। जो नेरिस है बेटा ये एनेलिडा में आता है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड जो है एनाफ्लीज, मॉस्किटो होता बेटा, एपिस हो गया, लोकस्ट हो गया, ये तो क्या है? आर्थोपोडा के अंदर इंक्लूड है बेटा, ये किसमें इंक्लूड है? आर्थोपोडा में। एनाफ्लीज, एपिस जो है बेटा, एपिस इंडिका, लोकस्टा, ये तो आर्थोपोडा में आ गए, और जो लोलिगो है बेटा वो मोलस्का होता है, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। फोर्थ जो है क्या दिया है बेटा? एप्लीसिया, एप्लीशिया जो है बेटा, ठीक है, उसके बाद क्या है? जो कीटोप्लूरा है बेटा, कीटोप्लूरा जो है वो दिया है, डेंटेलम एंड पिंकटाडा, ये सभी जितने भी यहां फोर्थ में जो लिखे हैं बेटा, ये सभी ये किसके अंदर आते हैं? मोलस्का के अंदर बेटा, तो अपना आंसर जो हो गया बेटा वो क्या हो गया? फोर्थ, ठीक है, क्योंकि इन सभी का जो फाइला है वो सेम है बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट दोज कैरेक्टर विच आर फाउंड इन हेमिकोर्डेट्स, जो हेमिकोर्डेट्स है बेटा उनके अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं बेटा, उनको हमें चयन करना है, ठीक है। तो क्या रहेगा? फर्स्ट, अर्लियर दे वर इंक्लूड इन दी फाइलम इकाइनोडर्मेटा, बेटा नहीं, इकाइनोडर्मेटा में नहीं रखा गया था बेटा, शुरुआती टाइम में इसको एक सब फाइला बना दिया गया था, किसका? कोर्डेट्स का, कोर्डाटा का सब फाइला बना दिया था, उसमें रखा था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। सेकंड,
रेस्पायरेशन टेक प्लेस बाय गिल्स, हाँ भाई गिल्स के थ्रू ये रेस्पायरेशन करता है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट जो है बेटा क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल चलता है बेटा वाटर के अंदर, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा आएगा बेटा इसके अंदर, क्या बनेगा, लार्वा रहता है। टॉर्नीर या जो लार्वा बेटा वो बन इसका रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। डी क्या है, दे आर मराइन वॉर्म लाइक एनिमल्स हैविंग बायलेटरल सिमेट्री, हाँ भाई मराइन है समुद्री पानी में मिलते हैं, इनकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री है बेटा, ठीक है। तो ये करेक्ट, बायलेटरल सिमेट्री बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑर्गेनिज्म को केवल दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ में, लेफ्ट एंड राइट, बाय ए सिंगल प्लेन। ये ध्यान रखना, कितने, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से। अगर हम एक से ज्यादा प्लेन से ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनता है बेटा, किस सिमेट्री को दिखाता है, रेडियल सिमेट्री को शो करता है। तो ये भी अपना स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो क्या रहेगा बेटा, बी सी एंड डी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट, बी सी एंड डी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट, आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, बॉडी ऑफ प्लेटी एलमेंथिस, जो प्लेटी एलमेंथिस है बेटा, प्लेटी एलमेंथिस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म, क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं बेटा, इनको फ्लैट वर्म ही क्यों कहा, क्योंकि ये डोर्सो वेंट्रली, क्या बोला, डोर्सो वेंट्रली क्या रहते हैं, चपटे रहते हैं बेटा। जैसे ये पेन है और इसके ऊपर से रोलर कोस्टर को घुमा दें तो ये क्या करेगा बेटा, चपटा हो जाएगा ना, एक पेज की तरह बन जाएगा सर। तो डोर्सल, ये जो मेरी डोर्सल साइड है बेटा और ये वेंट्रल साइड है, अगर ये फ्लैट हो जाए बेटा तो उस तरह का जो वॉर्म दिखाई देगा बेटा वो क्या होगा, हाँ भाई, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट वॉर्म, जिसको हम प्लेटी एलमेंथिस के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा बेटा इसका यहां पर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्गन फाउंड इन द बक्कल कैविटी ऑफ मोलस्का फॉर रेस्पाइंग, जो रेस्पाइंग द फूड। अब जो मोलस्क होते हैं बेटा उनकी जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर खाने को चबाने का एक ऑर्गन होता है जिसको हम रेडुला कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडुला, ठीक है। ये फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिल्म या फाइल, फाइल लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रहता था, अंडरस्टैंड। तो अपना जो आंसर बेटा यहां पर, रेती जीवा या रेडुला रहता है बेटा, ये डायरेक्ट अपनी जो एनसीईआरटी उसमें मोलस्क की जो लास्ट लाइन है बेटा उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो गया फोर्थ बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, फीचर्स ऑफ पोरीफेरियन एनिमल्स इज, जो पोरीफेरा है बेटा, पोरीफेरा मतलब पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिसके ऊपर छिद्र है बेटा बहुत सारे, ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको पोरीफेरा कहते हैं बेटा। अब देखते हैं कि यहां पर क्या क्या प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ऑनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर्ड, नहीं बेटा, सेक्सुअल के साथ साथ इनके अंदर जो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी चलता है, और किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बेटा उसके थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंड। तो ये नहीं आ सकता सर, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी दिखा रही, सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्स सेपरेट नहीं रहते बेटा, एक साथ रहते हैं, नॉट सेपरेटेड, ठीक है। इंट्र, जो इंट्रा बेटा, इंट्रा विद इन दी सेल के अंदर बेटा, इंट्रा सेलुलर, अंतरा कोशिका, कोशिका के अंदर ही डाइजेशन चलता है, क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, लूज सेल एग्रीगेशन होता है इनके अंदर। तो ये प्रॉपर्टी करेक्ट हो गया। फोर्थ जो ऑप्शन है बेटा, वाटर एंटर इन द बॉडी बाय ओस्कुलम, बेटा ओस्कुलम के थ्रू वाटर क्या होता है, आउटलेट होता है बेटा, बाहर निकलता है,
ठीक है। और ये किसके पार्ट हैं, जो अपनी कैनाल सिस्टम होता है, इसके अंदर कैनाल सिस्टम है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है बेटा। तो जो कैनाल सिस्टम है बेटा उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये भी क्या होगा बेटा, ये वाटर एंट्री की बात कर रहा है, एंट्री नहीं होगा बेटा, यहां से आउटलेट हो रहा है। एंट्री जहां से होता है बेटा उसको ओस्टिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर होगा बेटा अपना थर्ड। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज रॉन्ग अबाउट द हुकवर्म। हुकवर्म के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बेटा। हुकवर्म क्या है, एस्केलमेंथिस होता है बेटा। ठीक है, जिसको नेमेटोडा नेमेटेलमेंथिस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो सिलोम है बेटा वो सुडोसिलोम टाइप का प्रेजेंट होता है। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ही इसका प्रॉपर्टी है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर जो सिलोम है वो सुडोसिलोम टाइप का मिलता है बेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, करेक्ट, ये सही है। फर्टिलाइजेशन जो होता है बेटा, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है पहले वो जान लो, एस्केरिस। ठीक है, तो दोनों ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो फर्टिलाइजेशन यहां क्या रहता है बेटा, इंटरनल होता है। यहां क्या शो कर रहा बेटा थर्ड में, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, क्या रहता है, इंटरनल। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। डायोशियस, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बेटा। डायोशियस का मतलब क्या है, मेल अलग बॉडी में और फीमेल अलग बॉडी में, जैसे ह्यूमन बींग्स है बेटा। ठीक है, वो भी हम डायोशियस के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये करेक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। भाई एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है इनके अंदर, ठीक है। एंड मस्कुलर फेरेक्स इज वेल डेवलप्ड, जो फेरेक्स है मस्कुलर बेटा वो वेल डेवलप रहता है, पूर्ण रूप से विकसित रहता है। तो ये भी करेक्ट है, गलत देखा तो आंसर हो गया बेटा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अपना 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। भाई क्या बात करता है, तीन लेयर वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसको हम त्रिकोरिकीय जीव के नाम से जानते हैं बेटा। इट मींस उसके अंदर तीनों लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और जो ये वाली जो लेयर है बेटा, सबसे बाहर वाली, ये होगी एक्टो, एक्टोडर्म, फिर आती है मेसोडर्म, क्या रहता है बेटा, मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो है बेटा वो एंडोडर्म। और ये जो अंदर कैविटी है इसे हम ल्यूमन कहते हैं बेटा, अंडरस्टैंड। तो यहां पर पूछा है भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बेटा किसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी अपने प्लेटी एलमेंथिस है वहां से लेकर आगे कोर्डेट्स तक सभी क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कोरल बेटा, कोरल जो है वो सिलेंट्रेट्स के अंदर आती है, इनकरेक्ट। फ्लैटवर्म्स, हाँ फ्लैटवर्म करेक्ट है सर, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या होता है ये, प्लेटी एलमेंथिस एक ट्रिप्लोब्लास्टिक का बेटा। स्पॉन्ज इसके अंदर नहीं रहता बेटा, ल्यूज सेल एग्रीगेशन रहता है, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, टीनोफोरा, जो टीनोफोरा बेटा ये भी क्या करता है, डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री ही शो करता है, सॉरी डिप्लोब्लास्टिक जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो दिखाता है। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है बेटा, जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट होंगी, वो फ्लैटवर्म से लेकर जितने भी आगे तक हम पढ़ते हैं कोर्डेट्स तक, उन सभी के अंदर तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। तो आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मेंटल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन। जो मेंटल कैविटी है बेटा वो कहां प्रेजेंट होती है, जैसे मैं एक स्नेल का डायग्राम अगर लेता हूं, अगर एक स्नेल का डायग्राम लेते हैं बेटा, तो ये क्या है, ये वाली जो स्पेस है बेटा इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। ये है मेंटल कैविटी, ये वाली जो लेयर यहां पर बनी रहती है बेटा इसके पास ऐसे, इसे हम कहते हैं मेंटल
जो इंटरनल ऑर्गन्स है बेटा उनको ये प्रोटेक्ट करता है, और इसके नीचे वाला जो भाग है बेटा इसे हम विसरल हम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पार्ट बच गया बेटा, ये पूरा पार्ट जो इसको कवर कर रहा है जिसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं विसरल हम्प पार्ट। क्या होगा? विसरल हम्प पार्ट। विसरल हम्प पार्ट बेटा। ठीक है, ये इसका टेल पार्ट हो गया जिसको हम मस्कुलर फुट के नाम से जानते हैं। मस्कुलर फुट, फुट पार्ट है बेटा। ये हेड पार्ट है। अब इस जो मेंटल कैविटी है बेटा, इसके अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स। गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होते बेटा इसके लिए। ठीक है, तो इसके अनुसार अपना जो आंसर बनेगा बेटा वो कहां रहेगा? ये वाली जो लेयर दिख रही बेटा, ये पूरी लेयर, ये मेंटल की लेयर है जो विसरल हम्प के अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गन्स उनको कवर करता है। तो विसरल हम्प और मेंटल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या होगा बेटा अपना? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच इज करेक्टली मैच्ड पेयर, भाई सही कौन सा जो मैचिंग किया गया, सुमिलित किया गया युग्म सही है? हाइड्रा। अब बात करें किसके संदर्भ में हमें देखना है बेटा, तो संदर्भ क्या है बेटा यहां पर? सिमिट्री। तो यहां दिया है बाइलेटरल सिमिट्री। जो बाइलेटरल सिमिट्री है बेटा कहां से प्रेजेंट होती है? जो अपने प्लेटी एलमेंथिस हैं वहां से लेकर जितने भी आगे तक हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं कोऑर्डिनेट्स तक, सभी के अंदर रहता है एक्सेप्ट इकाइनोडम्स। ठीक है, इकाइनोडम्स के अंदर जो अडल्ट इकाइनोडम्स हैं उनमें रेडियल सिमिट्री प्रेजेंट होती है बच्चे। तो हाइड्रा, तो जो हाइड्रा है बेटा इसके अंदर कैसी सिमिट्री होगी? रेडियल, और इसके अंदर बायलेटरल। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया इसके संदर्भ में बेटा, तो आंसर हो गया गलत ये। तो सेकंड ऑप्शन जो है अमीबा, अमीबा के अंदर कोई सिमेट्री नहीं बेटा, एसिमेट्रिक टाइप का कहते हैं इनको हम। ठीक है, सीआरचिन, सीआरचिन जो है बेटा इसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, टेपवॉर्म एंड ऑक्टोपस, टेपवॉर्म जो है उसमें बायलेटरल सिमेट्री बेटा क्या रहती है? बायलेटरल सिमेट्री। और ऑक्टोपस जो है बेटा उसमें भी क्या रहेगा? बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन सामने क्या लिखा है? रेडियल सिमेट्री। आर्य समिति लिख दिया, आर्य तो नहीं सर, दोनों के अंदर क्या है? बायलेटरल। तो ये भी क्या हो गया? गलत से हो गया बेटा ये ऑप्शन भी। जेलीफिश जो है बेटा, जेलीफिश किसके अंदर आती है? ओरिलिया को कहते हैं बेटा जेलीफिश, जो हमारे सिलेंट्रेट्स हैं उनके अंदर आती है। किसको कहते हैं? ओरिलिया। जो एस्टेरिस है बेटा जिसको हम स्टारफिश के नाम से जानते हैं वो किसके अंदर आता है? इकाइनोडर्मेटा में। एस्टेरियसिस, ठीक है, जो स्टारफिश है, और इसके अंदर भी क्या है बेटा? रेडियल सिमेट्री, और इसमें भी क्या रहती है? रेडियल। तो यहां रेडियल ही लिखा है बेटा, तो करेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। ठीक है, 20 का फोर्थ आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल्स आर, भाई सबसे पहले जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है बेटा एनिमल्स की बात करें तो वो कौन सा था बेटा? ल्यूज सेल एग्रीगेशन के साथ जुड़ गए थे, और वो मल्टी सेलर के अंदर ही तो रखा जाता है बेटा, ल्यूज सेल एग्रीगेशन तो था लेकिन वहां, तो वो किसके अंदर देखा गया था बेटा? जो अपने पोरीफेरा हैं उनके अंदर प्रिमिटिव समय में देखा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या रहता है? पोरीफेरा। यहां पर डायरेक्टली आपको याद रखना है कि अगर बात करता है कि भाई सबसे पहले प्रिमिटिव समय में, ठीक है, आदि काल की अगर बात करते हैं उस समय सबसे पहले मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम जो थे बेटा वो किस में आते थे? पोरीफेरा के अंदर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22। अब ये डायग्राम दिया गया यहां पर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ एन इनवर्टिब्रेट इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एनिमल विच हैज दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान की बात करें बेटा, इस तरह का बॉडी प्लान देखना भाई उसके अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्या है बेटा, सिलोम से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं पर भी अगर सिलोम के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितने तीन टाइप्स में डिवाइड कर रखा है बेटा, ए सिलोमेट,
सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट्स, जिनको ट्रियोसिलोमेट के नाम से भी जानते हैं, जो आपके बुक में लिखा है ट्रियोसिलोमेट्स। जिनको सिलोमेट्स के नाम से जानते हैं। सिलोमेट्स, ठीक है। अब यहां पर जो आते हैं बेटा सूडोसिलोमेट का एग्जांपल, सबसे पहले याद रखा करो वो है अपने एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस से ऊपर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी करते हैं बेटा पहले, वो सारे आते हैं एसिलोमेट में, और उसके बाद जो स्टडी करते हैं वो सभी आते हैं सिलोमेट्स, और जिनको ट्रू सिलोमेट भी कहते हैं। अब बात यहां करते हैं कि सर यहां पर कोई भी कैविटी दिखाई नहीं दे रही है, तो ये कैसा हो गया, एसिलोमेट टाइप का। अब एसिलोमेट जो है बेटा वो किस किस के अंदर देखा गया, सिलोम तो बनना जरूरी है, ठीक है, तो सिलोम बना ही नहीं तो जरूरी कहां से आ गया बेटा, वो तो है ही नहीं, तो कौन किस किस में रहता है। जैसे हम बात करें पोरीफेरा में, ठीक है, उसके बाद आता है निडेरिया, टिनोफोरा, और जो अपने प्लेटी एलमेंथिस हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं बेटा, एसिलोमेट टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स दे रखे हैं भाई, उसको हमें मैच करना है किसके साथ, कि ये एसिलोमेट है, तो एसिलोमेट कौन कौन सा रहता है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो है बेटा हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है इसके अंदर सबसे अधिक, ठीक है, तो ये किस में आता है, अपने जो प्लेटी एलमेंथिस है इनके अंदर इंक्लूड करते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है अब प्लेटी एलमेंथिस है तो एसिलोमेट टाइप का हो गया, ठीक है सर, ये तो करेक्ट है। एनसाइक्लोस्टोमा जो बेटा वो किसमें आता है, सूडोसिलोमेट हो गया। फेरिटिमा पोस्टोमा जिसको हम आर्थोम कहते हैं, नेरिस जो हो गया, ये दोनों जो है बेटा इनके अंदर क्या रहता है, ट्रियोसिलोम प्रेजेंट होता है, तो ये सिलोमेट हो गए। तो अपना जो आंसर है बेटा इस डायग्राम के अनुसार ए सिलोमेट बनता है और वो फर्स्ट के अंदर है, तो अपना जो आंसर है बेटा यहां पर क्या बन जाता है, फर्स्ट जो आंसर है बेटा वो रहता है प्लेन एरिया, ठीक है, जिस जो ए सिलोमेट को शो करता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, अनसेगमेंटेड बॉडी एंड एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय कैल्केरियस। अनसेगमेंटेड बॉडी है और कैल्केरियस ओसिकल से, ध्यान देना, एंडोस्केलेटन बना बेटा, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्केरियस ओसिकल से बना होता है, और ये किन के अंदर होता है बेटा, जो अपने इकाइनोडर्म्स है उनकी प्रॉपर्टी है, किन की प्रॉपर्टी है, इकाइनोडर्म्स की। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फाइला, तो किसका, ये इकाइनोडर्म्स का बेटा, तो अपना आंसर क्या रहेगा, इकाइनोडर्म्स के अंदर प्रेजेंट रहता है बेटा, तो आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी गिवन एनिमल्स, भाई जो एनिमल्स दिए गए हैं उनमें से हैव रेडियल सिमेट्री, कैसी सिमेट्री होनी चाहिए, रेडियल, जिसको अर्य सिमिति कहते हैं बेटा, कि ऑर्गेनिज्म को कितने भी भाग से काटो, ठीक है, वो दो इक्वल आप में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, किसी भी प्लेन से कट कर दो, ऐसे एनी प्लेन, कितने आप में डिवाइड होगा बेटा, टू इक्वल आप में। अगर एक ही प्लेन से काटते हैं और तभी वो इक्वल दो आप में डिवाइड होता है, तो वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है बेटा। तो यहां पर देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री कौन कौन शो नहीं करता है, पाइला, पाइला शो नहीं करता बेटा, पाइला जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी शो नहीं करता है, अंडरस्टैंड, तो पाइला और ऑक्टोपस बेटा ये शो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आया, फैशुला, लिवर फ्लूक कहते हैं, ये भी नहीं शो करता, क्यों, क्योंकि ये दोनों मोलस्का में आते हैं बेटा, और ये अपना प्लेटी एलमेंथिस, एलमेंथिस के अंदर आता है, और मोलस्का और प्लेटी एलमेंथिस बेटा किसको दिखाते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, टीनोप्लेना रेडियल सिमेट्री शो करता है,
तो क्यों टीनोफोरा में आता बेटा। ऑरिल या जेलीफिश ये भी रेडियल सिमेट्री शो करता है। एकाइनस, एंटीडॉन और ओफीरिया, जो ओफीरिया बेटा एंटीडॉन और एकाइनस ये तीनों किस में आ जाते हैं अपने इकाइनोडर्म्स में। इकाइनोडर्म्स जो होते हैं इकाइनोडर्मेटा जो फाइला है उसके अंदर आ गए, तो ये भी तो क्या शो करेंगे सर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ये भी क्या शो कर रहे हैं रेडियल सिमेट्री। तो कितने ऑर्गेनिज्म बेटा 1 2 3 4 5 फाइव ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या शो करते हैं रेडियल आर्य सिमेट्री दिखाते हैं। तो आंसर अपना फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आया 25, क्या दिखा रहा है द करेक्ट पाथवे ऑफ वाटर फ्लो इन द कैनाल सिस्टम ऑफ। कैनाल सिस्टम किस में होता है पहले तो याद रखो, जो अपना पोरीफेर है बेटा उसके अंदर रहता है। अब कैनाल सिस्टम वही बात कर रहा है पोरीफेरा में है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा वाटर का फ्लो। कैनाल सिस्टम जो बेटा वो अलग अलग टाइप के हैं वैसे तो, जो आपने पढ़ा है बेटा वो कौन कौन सा अपनी बुक के अनुसार अगर देखें तो यहां पर कौन कौन से रहते हैं एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन, रेगोन, ठीक है ये चार टाइप के मिलते हैं बेटा। लेकिन अपने को जो स्टडी किया जाता है बेटा वो कौन सा करना होता है केवल फर्स्ट रहता है बेटा एस्कोन टाइप का जो है उसके अनुसार ही हम स्टडी करते हैं। तो एस्कोन टाइप का जो है उसमें वाटर का जो फ्लो है बेटा वो कैसे रहेगा, इसमें क्या होता है वाटर का जो फ्लो देखते हैं वो ओस्टिया वहां से एंटर करता है और कहां जाता है जो स्पॉन्जोसिल जो कैविटी है, जो स्पॉन्जोसिल कैविटी है स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर जाएगा और स्पॉन्जोसिल से जब बाहर निकलेगा बेटा तो ओस्कुलम के थ्रू यहां से एग्जिट कर जाएगा बाहर निकल जाता बेटा वो इस कैविटी के अंदर ही बेटा उस वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं ले लिए जाते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या रहेगा बेटा ओस्टिया जो है वहां से एंटर किया वाटर और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये अपना पाथवे बन गया। यहां पर अगर डायग्रामेटिक देखें तो इस तरह का रहता है बेटा, मैंने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है बेटा जहां से वाटर बाहर दिखा रहे हैं हम, ये तो हो गया ओस्कुलम, ये जो कैविटी है स्पॉन्जोसिल कैविटी, और ये जो ओपनिंग्स है बेटा ये छोटी छोटी जो ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं बहुत सारी सरफेस पे यहां पर, ये क्या है ओस्टिया। तो यहां से जो वाटर है बेटा यहां से जो वाटर है वो एंटर करता है इनके थ्रू इस कैविटी के अंदर पहुंचता है और एग्जिट कहां से करेगा ओस्कुलम से बाहर निकल जाएगा बेटा। तो पाथवे क्या है ओस्टिया स्पॉन्जोसिल ओस्कुलम, ओस्टिया स्पॉन्जोसिल ओस्कुलम और आउटलेट हो गया आउटसाइड में चला गया बेटा बाहर, क्या है वाटर जो था एनवायरमेंट में उसके अंदर चला गया बेटा उसका जो हैबिटेट था उसके अंदर, अंडरस्टैंड। तो आंसर जो हो जाता है बेटा अपना थर्ड होता है इसका, ओके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है द फ्लैट वर्म्स हैव फ्लेम सेल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा प्लेटी एलमेंथिस कहते हैं, उनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लेम सेल्स हैं इनका जो काम होता है बेटा वो क्या होता है, एक तो एक्सक्रीशन करना और दूसरा ओस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन का मतलब तो ये हुआ कि बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकाल देंगे। ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मो मतलब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसकी ओस्मोलिटी को मेंटेन करना बेटा, तो उसका भी काम कौन करता बेटा जो फ्लेम सेल्स हैं वही करती हैं, किनके अंदर जो फ्लैट वर्म्स होते बेटा जो प्लेटी एलमेंथिस है उनके अंदर बेटा। तो दोनों काम फोर्थ ऑप्शन में दिए गए बेटा एक साथ, ठीक है। तो अपना जो आंसर है बेटा इसका क्या रहेगा उत्सर्जन और प्रसरण नियमन दोनों ही
कौन करता है बेटा? फ्लेम सेल्स करती हैं। तो आंसर हो गया अपना फोर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, अर्थवर्म शो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। भाई अर्थवर्म जो है, जो केचुआ है, वो इन में से कौन सा लक्षण दर्शाता है, कौन सा लक्षण दिखाएगा बेटा, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट, बायलैटरल सिमेट्री। हाँ, बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा। सेकंड क्या कहता है? एंटेरोसिलोमेट। बेटा जो अर्थवर्म है वो किसके अंदर आता है, पहले तो ये देख लिया करो, अर्थवर्म किस फाइला में आ रहा है? एनेलिडा में। और एनेलिडा जो होता है बेटा वो ट्रियोसिलोमेट है। और ट्रियोसिलोमेट जो है बेटा उसके भी दो और एडवांस टाइप है, थोड़े से डीप जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा एनसीईआरटी से लिंक होकर, थोड़ा सा हटके जो बनते हैं आपके नीट एग्जाम में, वो इससे यहां से बहुत बार रिलेट होता है। तो इसके अंदर भी दो टाइप आते हैं, साइजो साइजोसिलोमेट पूरा होगा बेटा ये साइजोसिलोमेट स्पेस में। नेक्स्ट जो होता है एंटेरोसिलोमेट। अब जो साइजोसिलोमेट है और एंटेरोसिलोमेट है, इनके एग्जाम्पल कैसे याद रखें सर? सबसे जरूरी वही होता है बेटा। तो इनके एग्जाम्पल याद रखने का तरीका है, यहां पर एस ए ए एम सेन, एस से तो आ गया बेटा अपना जो साइजोसिलोम है वो बन गया, एस से क्या बना? साइजोसिलोम। ए से एनालिड्स, जो एनालिडा बेटा क्या आ गया? ए से एनालिडा। इस ए से आर्थोपोडा और एम से मोलस्का। तो सेम से याद किया हमने, एनालिडा आर्थोपोडा मोलस्का में साइजोसिलोम प्रेजेंट होता है। बाकी मोलस्का के अंदर जो के बाद जो आता है बेटा इकाइनोड्रमेटा से लेकर कोर्डेट्स तक क्या रहेगा? एंटेरोसिलोमेट प्रेजेंट होता है। सर साइजोर एंटोर में अंतर क्या है? जो साइजोसिलोम होता है बेटा वो क्या होता है, जो मेसोडर्म है बेटा उसका एक बंच प्रेजेंट होता है, उसके अंदर स्प्लिटिंग होता है, उस स्प्लिटिंग से जो सिलोम बनता है, बॉडी कैविटी बनती है, उसे हम साइजोसिलोम कह देते हैं बेटा। एंटेरो मतलब, एंटेरो का मतलब सीधा याद रखो इंटेस्टाइन से रिलेट हो गया भाई, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है उससे रिलेट हो गया। तो यहां क्या होगा, जो हमारा ल्यूमन पार्ट होता है गट का, उसके बाहर की ओर भी तो मेसोडर्मल लेयर है, उसके अंदर फोल्डिंग होती है पहले, ठीक है। इस तरह से आपको शो करके दिखा देते हैं एक बार, किस तरह से ये अपना गट का ल्यूमन पार्ट और इसके चारों ओर ये अपनी मेसोडर्मल मेम्ब्रेन रहती है, फिर क्या होगा इसके अंदर फोल्डिंग्स बनती बेटा इस तरह से बाहर की ओर। अब ये जो फोल्डिंग्स बनी इस तरफ वाली, ये यहां से हट जाएंगी और सिलोम का फॉर्मेशन है कर देती बेटा, ये बीच वाली कैविटी बची और ये इस तरह से ये अपना गट और ये अपना जो सिलोम है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, फिर ये कंप्लीटली इनसर्कल कर देता है और अपना जो डायग्राम है बेटा एनसीईआरटी वाला वो बन जाता है इस तरह का। आउटर कवरिंग गट, इसके अंदर एंडोडर्मल लेयर और फिर ये ट्रियोसिलोम का डायग्राम दिखाई देता है बेटा इस तरह से, ठीक है। तो ये सिलोम बन गया बेटा जिसको मैंने इस तरह से सेडेड किया है, ठीक है। तो अपना जो ट्रियोसिलोम है बेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है। तो यहां पर जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म के अंदर बायलैटरल सिमेट्री तो है लेकिन ये एंटेरो नहीं है सर, साइजोसिलोमेट होता है। क्या होता है? साइजोसिलोमेट। नेक्स्ट कहता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री नहीं आ सकती तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। थर्ड कहता है बायलैटरल सिमेट्री, करेक्ट, एंड साइजोसिलोमेट विद ब्लाइंड सैक। अब कहता है कि ब्लाइंड सैक आ गया लेकिन ब्लाइंड सैक तो बेटा इसके अंदर होता नहीं है, ये क्या होता है ट्यूब इन ए ट्यूब बॉडी प्लान रहता है बेटा। जैसे
हमारी बॉडी के अंदर होलो है और उसमें एलिमेंट्री कैनाल दूसरी ट्यूब होगी बेटा, ऐसे समझिए, ये हमारी बॉडी का खाली स्पेस और इसके अंदर है ये एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है बेटा, ट्यूब इन ए ट्यूब बॉडी प्लान होता है बेटा। तो नेक्स्ट क्या है, बायलैटरल सिमेट्री होगा, करेक्ट, साइजोसिलोमेट विद ट्यूब इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, तो आंसर हो गया फोर्थ बेटा, 27 का फोर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, मार्क द एग लेइंग मैमल, अंडे देने वाला जो मैमल है बेटा स्तनधारी है, ठीक है, वो अपनी एनसीईआरटी में क्या दिया गया बेटा, प्लेटिपस, प्लेटिपस के साथ साथ जो अपना एक्डेना है बेटा, जिसको आंटीटर कहते हैं बेटा, स्पाइनी आंटीटर के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है, एग लेइंग मैमल होता है, ठीक है, तो मैमल है। अब बात करते हैं सर, जो एप्टिनो डाइटस है ये नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि एप्टिनो डाइटस जो है बेटा वो मैमल नहीं है, पैवो पिकोक को कहते हैं, ये क्या है बेटा, अपनी पेंगुइन, ठीक है, ये पिकोक, ये भी नहीं है, डॉल्फिन, इसको क्या कहते हैं बेटा, जो डॉल्फिनस है बेटा, इसको ये क्या है, डॉल्फिन, ये मैमल तो है लेकिन ये एग नहीं देती बेटा, ये मैमल तो है लेकिन ये क्या नहीं देता, एग नहीं प्रोड्यूस करता है, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म नहीं बेटा, ये क्या है, विवीपेरस, यंग वंस को जन्म देता बेटा, ठीक है, तो ये नहीं आ सकता, ये बर्ड्स हो गए बेटा ये दोनों, तो मैमल तो वैसे नहीं हुई, तो अपना जो आंसर बेटा ये नहीं आ सकते, ये दोनों, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये विवीपेरस हो गया, तो एक्डेना ही रहता है, तो आंसर हो गया थर्ड 28 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, एन एक्वेटिक लिविंग फॉसिल, अब कहते हैं एक्वेटिक लिविंग फॉसिल, अब लिविंग फॉसिल का नाम आते बेटा अपना जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर एग्जांपल्स है बेटा उसमें साफ साफ लिखा है लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल, जलीय जीवित जीवाश्म, जल के अंदर उपस्थित है, और वो किसमें पढ़ा था मैंने अभी बोल रहा था, किसमें, आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या रहेगा, लिमिनस, जिसको किंग क्रैब के नाम से जानते हैं बेटा, लिमिनस किंग क्रैब, आगे क्या कहता है, विच एंशियंट ओरिजिन एंड मैनी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स विद रेस्पायरिंग थ्रू दी बुक गिल्स, जो रेस्पायरेशन करता है बेटा वो बुक जो गिल्स होते हैं, पुस्तक जो फुफ्फुस होते हैं उनके द्वारा करता है, तो वो आंसर तो क्या रहेगा बेटा, एनसीईआरटी के एग्जांपल से लिए गए आर्थ्रोपोडा वाले से, तो आंसर रहेगा किंग क्रैब लिखा मिले या जो लिमिनस है बेटा वो लिखा मिले, वही अपना आंसर रहता डायरेक्ट इसका, ओके। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन व्हेल, एलिफेंट, टाइगर एंड हॉर्स, सारे जो एग्जांपल दिए बेटा वो सभी किसके हैं, मैमल्स के एग्जांपल है, किसके हैं, ये सभी क्या है बेटा, मैमल्स हैं, सभी मैमल्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या बात करें, कॉमन देखना बेटा एक जैसे लक्षण क्या है, वेल डेवलप्ड ईयर पिना, वेल के अंदर ईयर पिना नहीं रहते हैं तो ये नहीं आएगा, कॉमन नहीं होगा, बॉडी कवर्ड विद हेयर्स, वेल के पास हेयर्स नहीं है बेटा, ये भी इनकरेक्ट हो गया, कॉमन तो नहीं हुआ ये, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा बेटा, ठीक है, ये वाले जो गर्दन के अंदर यहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा वो कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, जितने भी मैमल्स होते हैं बेटा उन सभी के अंदर इनका नंबर 7 रहता है, तो कॉमन हो गया सर, सभी मैमल्स हैं और सर्वाइकल वर्टिब्रा भी सेम रहते हैं। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड बेटा इन सभी का अलग अलग रहता है, ठीक है, जो वेल है इनका गेस्टेशन पीरियड दोनों का सभी का अलग अलग रहता है, जैसे वेल का क्या रहेगा बेटा, हो जाता है 10 से 12 मंथ्स, एलिफेंट का होता है बेटा 18 से 22 मंथ्स, टाइगर जो है वो 3 से 4 मंथ्स गेस्टेशन पीरियड, और हॉर्स जो होता है बेटा उसका रहता है 11 से 12 मंथ्स, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड रहता है, गेस्टेशन वो पीरियड है बेटा जिसमें भ्रूण फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है बेटा, डेवलपमेंट होता है अप टू पार्चुरेशन, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड, तो इनका सभी का अलग अलग है, तो आंसर क्या हो गया अपना
थर्ड बेटा जो कॉमन है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अपना 31 है, द कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल कोऑर्डिनेट्स, भाई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो सभी कोऑर्डिनेट्स में क्या है, कॉमन है विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी जिसका अपवाद नहीं है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मली ड्राइव्ड नोटोकोड, नोटोकोड जो बेटा भले कोई भी कोऑर्डिनेट हो अपना, उन सभी में नोटोकोड का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म लेयर से ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रा कोलम, वर्टिब्रा कोलम सभी में नहीं मिलती बेटा, केवल वर्टिब्रेट्स में मिलती है, ठीक है। ये इसका एक सब फाइला है बेटा, वर्टिब्रेटा उसके अंदर मिलते, जैसे यूरोकोर्डेटा और जो सिफेलोकोर्डेटा बेटा, ठीक है, उनके अंदर वर्टिब्रा कोलम नहीं रहती है, तो ये भी नहीं हुआ कॉमन। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, डोर्सल साइड में बेटा सभी में हार्ट नहीं है, डोर्सल साइड में नहीं मिलता बेटा, हमारा हार्ट मोस्टली कहां रहता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डोर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड, सॉलिड नहीं होती बेटा, होलो होती है, क्या रहती है, होलो नर्व कॉर्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है CSF फिल्ड रहता है, तो इस वजह से जो फोर्थ है बेटा वो भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इन सिफेलो कोऑर्डिनेट्स, जो सिफेलो कोऑर्डिनेट्स है बेटा, द नोटोकोड इज, सिफेलो कोऑर्डिनेट्स की नोटोकोड की बात आ गई भैया, जो सिफेलो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, उनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फाउंड इन लार्वा, ठीक है भाई लार्वा में प्रेजेंट है, रिप्लेस बाय वर्टिब्रा कोलम, वर्टिब्रा कोलम से रिप्लेस्ड नहीं होगी बेटा, अगर वो वर्टिब्रा कोलम से रिप्लेस्ड हो गई तो वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, फाउंड इन लार्वा स्टेज एंड परसिस्ट इन अडल्ट, कहता है लार्वा स्टेज में मिलता है बेटा और परसिस्ट करता है किसमें, अडल्ट में, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, सिफेलो कोऑर्डिनेट्स के संदर्भ में ये कथन क्या है बेटा, एकदम सही है, सिफेलो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो नोटोकोड है बेटा वो हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट रहता है, हेड से टेल तक प्रेजेंट होगा और पूरे जीवन काल में लार्वा में भी रहेगा और अडल्ट जब बनता है उस समय भी रहता है, तो ये अपना आंसर यहां पर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड कहता है फाउंड इन ए लार्वा स्टेज एंड लॉस्ट इन ए अडल्ट, अगर अडल्ट में लॉस्ट हो गया बेटा तो वो जो यूरोकोर्डिनेट्स है बेटा उनके अंदर रखा है, जिनको ट्यूनिकेटा कहते हैं बेटा उनमें इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया सिफेलोकोऑर्डिनेट के संदर्भ में। फाउंड इन लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज में तो है एंड रिप्लेस्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, बेटा स्पाइनल कॉर्ड तो अलग ही हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया बेटा ये भी, तो अपना जो आंसर है बेटा वो रह जाता है सेकंड इसका, कि लार्वा के वेस्क में तो रहेगा और वेस्क के बाद जब बनेगा बेटा उस समय तक परसिस्ट करेगा, लार्वा में भी है और वेस्क में भी, हेड से लेकर टेल तक परसिस्ट करता है, ओके। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बताया गया है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, भाई किसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण हमने जो अपना वर्टिब्रेटा सब फाइला है उसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया है, तो वर्टिब्रेटा जो है बेटा उसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया, एक में आते हैं अग्नाथा और दूसरे में ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, और ये डिवीजन किसके अनुसार बेटा, अग्नाथा जो है वो जो लेस फिश होती है, जो लैक है नहीं बेटा इनमें, इनमें जो प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट है प्लस कर दिया बेटा प्रेजेंट है, इनमें एब्सेंट है, जो लेस फिश जो है, जो लैक फिश जो है वो अपने अग्नाथा होते हैं, तो किसके अनुसार डिवाइड किया बेटा, जो के अनुसार, जो जबड़ा होता है ये प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, उसके अनुसार दो में डिवाइड कर दिया, अग्नाथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, तो इसके अनुसार जो अपना आंसर आता है बेटा वो किसके अनुसार आया, जो भाई जो नर्व कॉर्ड है वो दोनों में मिलेगा, वर्टिब्रा कोलम रहेगा बेटा और फेरेंजियल गिल स्लिट्स से बेटा वो भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो है बेटा वो इसमें तो एबसेंट है और इसमें प्रेजेंट है, तो इसके अनुसार दो में डिवाइड कर दिया, तो अपना आंसर जो है बेटा
वो थर्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 34, लैम्प्रे लिव्स इन मराइन वाटर। जो मराइन एनवायरनमेंट या वाटर है बेटा, उसमें मराइन मतलब ओशियन, मराइन वाटर होता है ओशियन में, समुद्र में खारा पानी मिलता है बेटा अपने को, उसके अंदर है। बट माइग्रेट टू रिवर्स, भाई अब ये यहां से कहां जा रही हैं? रिवर के अंदर, रिवर के अंदर चली गई, ठीक है। अब इस तरह के माइग्रेशन को बोलेंगे क्या? ठीक है, जो इस तरह का माइग्रेशन होता बेटा, जिसमें जो अपनी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओशियन वाटर से या मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहे हैं रिवर के अंदर, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलेंगे? एनाड्रोमस माइग्रेशन। अंडरस्टैंड? अब इस तरह का माइग्रेशन ये जो अपनी लैम्प्रे है बेटा वो क्यों शो करती है? किस लिए? स्पोनिंग के लिए बेटा। किस लिए शो करती है ये माइग्रेशन? क्यों किया? स्पोनिंग के लिए। तो अपना आंसर तो क्या होगा बेटा? स्पोनिंग के लिए। क्या है पर्पस? क्या था स्पोनिंग? स्पोनिंग होता है बेटा लेइंग ऑफ एग्स। जैसे ही एग ले कर देते बेटा, उसके कुछ समय के बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये क्या है? साइक्लोस्टोम्स के अंदर हम स्टडी करते हैं बेटा इनको, जो अपनी लैम्प्रे है। इसके साथ साथ एक एग्जांपल और दे रखा है, जो क्या है? हैगफिश, ठीक है। हैगफिश बेटा स्पोनिंग शो नहीं करती, हैगफिश नहीं दिखाती है स्पोनिंग। अंडरस्टैंड? याद रखना। तो आंसर क्या होगा बेटा अपना? थर्ड, अंडे देने के लिए बेटा ये माइग्रेशन शो करती। इस तरह का माइग्रेशन क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहलाएगा भाई? एनाड्रोमस। अगर इसका उल्टा आ जाए तो, अगर मैं इसका अपोजिट कर दें कि ऑर्गेनिज्म रिवर से कहां रहे? ओशियन की ओर। रिवर से माइग्रेट कर रहा है किस तरफ? ओशियन की ओर, मराइन वाटर की ओर, तो उसे कहते हैं कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस माइग्रेशन ये कौन शो करता है बेटा? जो ईल होती हैं, ईल्स जो होती हैं वो शो करती हैं बेटा ये। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन। भाई आंतरिक जो निषेचन है वो किनके अंदर होता है? आंतरिक निषेचन मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर कोइटस प्रोसेस होगी बेटा, कोइटस के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो एग और स्पर्म है वो आपस में फ्यूज होने लगते हैं बेटा। स्टार्ट हुआ तो सिनगेमी, और कंप्लीटली फ्यूज कर गए और जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगा, तो उस समय बेटा वो जो कंप्लीट फ्यूजन हुआ एग और स्पर्म का, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर ये फिशेज के नाम है बेटा सारे जो ऑप्शंस में है, जैसे प्रिस्टिस हो गया सॉफिश, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, ठीक है, लेबियो लेबियो रोहिता, कतला, कतला को कतला ही कहते हैं बेटा। अब ये सभी क्या है? फिशेज हैं सर। अब बात ये करते हैं कि इनमें जो हमारी फिश बेटा कौन सी है? कार्टिलेजिनस फिश जिसको कहते हैं बेटा, कॉन्ड्रेकोथीज या इलेस्मोब्रैंक्स के नाम से जानते हैं, उन फिशेज के अंदर जो मेल होता है क्या रहता है? मेल जो होता है उसके पास सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको क्लेस्पर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आएगा, फर्दर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा बेटा ये क्वेश्चन। तो क्लेस्पर क्या है? मेल, जैसे मेल्स के अंदर पेनिस है ना ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा, ऐसे जो हमारी कॉन्ट्रेकोथीज है बेटा, कार्टिलेज फिश है या इलेस्मोब्रैंक्स है, उनके मेल के पास क्या है? क्लेस्पर होता है, ठीक है। अब ये क्लेस्पर प्रेजेंट है तो ये क्या दिखाएंगे बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर ये देखते हैं कि सर इन चार ऑप्शन में से अपनी कार्टिलेज फिश कौन सी है? जो सौ फिश होते हैं बेटा ये कार्टिलेज फिश है, तो आंसर क्या हो गया? कार्टिलेज फिश वाला। ये सभी इनकरेक्ट हो गए, क्यों? जितनी भी फ्रेश वाटर फिशेज होती है बेटा वो क्या शो करती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करती है। ये सभी बोनी फिश है बेटा, एक्सोसिटस, कतला, लेबियो रोहिता, ठीक है, ओके। तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द कॉन्ट्रेकोथीज। कॉन्ट्रेकोथीज जो थिक्स है बेटा उनके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। कॉन्ट्रेकोथीज क्या है बेटा? इनका जो
स्केलेटल सिस्टम बेटा वो कार्टिलेज का बना होता है, ये चीज ध्यान रखना, तभी इनको कॉन्ड्रोसाइटिस बोला है बेटा। दूसरा, इनके अंदर जो एयर ब्लैडर है बेटा वो प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं मिलेगा, ऑपरकुलम भी नहीं रहता है। तो इसके अनुसार जब देखें तो दे प्रोवाइड विद एयर ब्लैडर, इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट देखना था तो असत्य तो पहला ही हो गया सर। बॉडी कवर्ड विद प्लैकोइड स्केल्स, सही है, प्लैकोइड स्केल्स मिलते हैं, टीनोइड, गेनोइड और जो बाकी के जो स्केल्स हैं बेटा, ठीक है, वो किसके अंदर मिलते हैं, अपने जो बोनी फिशिज होते हैं, ऑस्टियोकोथीज होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा। नेक्स्ट, फाउंड इन ओशन, मरीन वाटर में मिलते हैं, एकदम करेक्ट। माउथ इज वेंट्रली प्लेस्ड, माउथ वेंट्रल साइड में होता है बेटा इनका, जो माउथ होता है ना इन फिशिज का बेटा वो इस तरह से रहता है, ये वेंट्रल, ये इनकी डोर्सल साइड और ये वेंट्रल, तो नीचे की ओर है बेटा, ये वाला जो स्नोट है ये ज्यादा बड़ा रहता है, तो ये वेंट्रल साइड में रहता है इनका, अंडरस्टैंड, तो ये अपनी फिश हो जाती है बेटा। ओके, तो आंसर जो है इनकरेक्ट बेटा वो हो गया फर्स्ट। तो एयर ब्लैडर किसके अंदर मिलता है बेटा, अपनी जो बोनी फिशेस होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर का काम क्या है, फ्लोटिंग बायोन्सी प्रोवाइड करता है बेटा, बिना हाथ पैर हिलाए तैरती रहेंगी वो मछलियां, इसीलिए बेटा जो हमारी कार्टिलेज फिश होती है वो कंटिन्यूस स्विमिंग करती रहती है पूरे जीवन काल। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 37, मैच द फॉलोइंग ऑप्शन विद कॉलम ए एंड बी, ए में साइंटिफिक नेम दिए हैं और बी में कॉमन नेम, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, अभी बताया मैंने बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, जो टोरोफिलम है बेटा, टोरोफाइलम है बेटा वो क्या रहता है, जो टोरोफाइलम है बेटा वो एंजल फिश है, एक्वेरियम की फिश होती है, दूसरी बेटर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्राइगन, ट्राइगन जो है एक कार्टिलेज फिश है जिसके पास स्ट्रिंग रहता है बेटा, ठीक है, कैसा, पॉइजनस स्ट्रिंग रहता है, और टोरपीडो जो है बेटा उसके पास इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्लेरियस, जिसको हम मांगूर कहते हैं बेटा, तो फर्स्ट के साथ फोर्थ, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड, जो बी है उसके साथ थर्ड बेटा, फोर्थ थर्ड, सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ सेकंड, आंसर हो गया बेटा फोर्थ। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई इनमें से कौन सा सही है विद रिगार्ड टू द पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना क्या बेटा, कॉकरोच, अपना क्या है, कॉकरोच है। क्या कहता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय हीमोसाइनिन प्रेजेंट इन द ब्लड, बेटा ब्लड के थ्रू नहीं करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, वो डायरेक्टली उनका ट्रेकियल सिस्टम है वही काम करता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस इन प्रोडक्ट, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा वो क्या है, यूरिया, यूरिया नहीं होता बेटा इनका, क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फूड, द फूड इज ग्राइंडेड बाई मैंडिबल्स एंड गिजार्ड, हाँ ये सही है, मैंडिबल और जो गिजार्ड है बेटा वो फूड को चबाने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है बेटा, ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सही है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा जो मालफिजियन ट्यूब्यूल है बेटा, इनका जो नंबर होता है वो 100 से 150 होता है, कई बार नंबर पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम दी कोलन, कोलोन से नहीं बेटा, ये क्या है, जो जंक्शन है बेटा किस किस का, जो मिड गट है बेटा, और जो ईलियम है बेटा उसके जंक्शन पे मिलते हैं, कहां कहां, मिड गट और ईलियम के जंक्शन पे, नंबर कितना रहता है, 100 से लेकर 150, 100 to 150 नंबर रहता है बेटा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, आंसर हो गया थर्ड बच्चे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड आउट दी ग्रुप ऑफ मरीन फिशेस, जो मरीन फिशेस है बेटा, इट मींस मरीन फिशेस कौन सी होती है बेटा, मोस्टली अपनी कार्टिलेजिनस फिश होती है बेटा, वो क्या होती है, मरीन फिशेस होती है। अब यहां देखते हैं, स्कोलेडोन डॉगफिश,
कार्टिलेज है, मराइन है, लेबियो नहीं है बेटा, ट्राइगन भी है, प्रिस्टिस भी रहती है। इनकरेक्ट हो गया। लेबियो क्या बेटा? बोनिफिश होती है, ये फ्रेश वाटर में मिलती है। एक्सोसिटस जो बेटा, ये है तो कैसी बोनिफिश है, लेकिन ये मराइन होता बेटा, ठीक है। हिप्पोकैम्पस ये भी है तो बोनिफिश में बेटा, लेकिन आता किसके अंदर बेटा? मराइन जो वाटर होता है वहां पर रहता है। स्कोलेडोन मराइन है बेटा, और जो ट्राइगन है बेटा वो भी मराइन है। तो इसमें सभी मराइन फिशेज हैं। हिप्पोकैम्पस मराइन, कतला नहीं रहती बेटा। और जो अपना कार्केरोडोन है बेटा, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये भी अपना मराइन होता है और स्कोलेडोन भी मराइन है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्यों? कतला नहीं रहती है। प्रेस्टिस है, ट्राइगन है बेटा, और क्लेरियस जो है बेटा, बेटा जो है वो एक्वेरियम फिश होती है। क्या है? एक्वेरियम फिश होती है बेटा, ठीक है। क्लेरियस मांगुर होती है, ठीक है। सबसे जो हम बेटा पीसी कल्चर करते हैं उसके अंदर रोहू, कतला और क्लेरियस जो होती है उन्हीं की ही कल्चरिंग करते हैं अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये नहीं आ सकते। तो आंसर अपना जो है बेटा वो हो गया सेकंड 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू कॉकरोच। भाई कॉकरोच के संदर्भ में सही कौन सा कथन है? अब सही कथन की बात करते, फर्स्ट नॉक्टर्नल है, क्रुसोरियस मतलब तेज दौड़ने वाला बेटा, बहुत तेज दौड़ता है, डायसियस दोनों मेल और फीमेल बेटा अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो डायसियस है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओमनिवोरस है, सब कुछ खाता है, कैनिबलिज्म भी शो करता बेटा, खुद के ही मरे हुए जीवों के, एक जैसे खुद के दूसरे कॉकरोच को भी वो इनटेक कर लेता है। तो सभी प्रॉपर्टीज जो बेटा वो करेक्ट है। डायुरनल नहीं रहता, दो दिनचर बेटा वो नहीं रहता है, ठीक है। एरियोलर उड़ सकता है, ठीक है, डायसियस रहता है, हर्बीवोरस नहीं है। तो नेक्स्ट क्या बेटा, ये इनकरेक्ट हो गया, डायुरनल नहीं रहता बेटा, ठीक है। फोसोरियल, फोसोरियल का मतलब बिलकारी बेटा, बिल खोद के रहने वाला बेटा, नहीं, ये दरारें जो होती है बेटा उनके अंदर छुप कर रहता है, बिल नहीं खोदता ये, ठीक है। नेक्स्ट ओमनिवोरस, ओमनिवोरस है लेकिन है, क्या फोसोरियल है, फोसोरियल भी नहीं रहता बेटा। हाँ मोनोशियस, मोनोशियस भी नहीं है, क्या रहता है? डायशियस होता है सर। एंटेरोसिनोमेट किस में आता है? कॉकरोच एनालिडा में, और एनालिड्स जो बेटा वो साइजोसिनोमेट को शो करते हैं, तो ये भी नहीं आया, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो गया अपना? फर्स्ट 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मेलफिजियन टिब्यूल्स इन कॉकरोच ओपन एट द जंक्शन ऑफ, अभी अभी मैंने समझाया बेटा मेलफिजियन टिब्यूल्स का नंबर 100 से 150 होता है, और किसके जंक्शन पे रहते हैं बेटा? जो अपना मिडगट और इलियम है उसके ओपनिंग पे। तो आंसर हो गया सेकंड इसका बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, डायग्राम दिखा रखा है बेटा अलग अलग, किस किस के डायग्राम है पहले तो ये समझ लीजिए। ये अपना सी हॉर्स है, ये कतला और ये सेलेमेंडर, ठीक है। अपने को डायग्राम का पता लगा है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेफर द फिगर ए टू सी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विच शो एनिमल्स दैट रेगुलेट बायोंसी, रेगुलेट्स बायोंसी, जो तैरते हैं बेटा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एयर ब्लैडर। इट मीन्स एयर ब्लैडर तो सर जो बोनी फिशेज होती हैं बेटा, कौन सी? जो बोनी फिशेज होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो सी हॉर्स और कतला है बेटा दोनों बोनी फिशेज हैं। तो ए और बी हो गया, और ये क्या है? ये बेटा अपने किस में आता है? एम्फीबियंस के अंदर इंक्लूड होता है। एम्फीबियंस में आता है, तो इसमें तो नहीं रहता है, तो इन दोनों में प्रेजेंट होगा ए और बी। तो ए और बी कहां दिया गया बेटा? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। तो अपना जो आंसर है बेटा जिसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, रेगुलेट करता है बायोंसी को बेटा, वो अपने सी हॉर्स और कतला, ए एंड बी, आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 43, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन करना बेटा। किसका? कौन सा जो कथन है बेटा वो
यहां पर गलत दिया गया है। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, बेटा सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, याद रखना जो कॉर्डेटा है बेटा उसके अंदर तीन सब फाइला स्टडी कर देते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा और फिर आता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा बेटा, तो वर्टिब्रेटा ये तीन हैं, ये सभी ये हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं? नहीं बेटा, याद रखना जो कॉर्डेट्स हैं सभी ऑल वन मिनट यहां पर समझाता था, जितने भी ऑल कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट याद रखना, कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में बेटा। तो यहां उल्टा दे रखा है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या कहता है, वर्टिब्रेट्स प्रोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। भाई नोटोकॉर्ड तो आ ही जाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, सभी वर्टिब्रेट्स में मिलता है, करेक्ट। नोटोकॉर्ड ऑफ वर्टिब्रेट इज जनरली रिप्लेस्ड, बदल रहा है बेटा हमारे अंदर, हम भी तो क्या है बेटा वर्टिब्रेट्स में आते हैं, हमारे पास वर्टिब्रा कॉलम में कन्वर्ट हो गया बेटा हमारा जो नोटोकॉर्ड था, रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजियस वर्टिब्रा कॉलम, करेक्ट, सही बात है कि वो वर्टिब्रा कॉलम में चेंज हो गया बेटा, रिप्लेस हो गया, बदल गया। नेक्स्ट कहता है द वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल वस्कुलर हार्ट, वेंट्रल साइड में हमारे पास मस्कुलर हार्ट है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट, विद टू थ्री एंड फोर चैम्बर। अब दो तीन या चार बेटा अलग अलग जो चैम्बर हैं उनके रूप में रहता है, ये कहता है सही बात है कि उन्हीं के रूप में प्रेजेंट होता है। कैसे, अगर टू चैम्बर की बात करें बेटा तो टू चैम्बर हार्ट अपनी जो फीसिस होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, किन में, टू चैम्बर हार्ट फीसिस के अंदर, ठीक है, थ्री चैम्बर हार्ट जो एम्फीबियंस है बेटा और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और फोर चैम्बर हार्ट बर्ड्स जिनको हम एव्स के नाम से जानते हैं और एयर मैमल्स बच्चे इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और गलत कौन सा हो बेटा, अपना फर्स्ट कथन जो है वो करेक्ट हो जाता है, तो उसी के आंसर गलत है तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फिश विच इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब खत्म करने वाले बेटा, वहां से इरेडिकेट्स द वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया के वेक्टर को, और एलिफेंटेसिस फिलेरियल वर्म जो होता है बेटा चनेरिया बैनक्रॉफ्टी उसके जो लार्वा है उसको खत्म कर देगा बेटा ये, ठीक है। अब बात यह है कि यहां पर इसके वेक्टर जो है उसके लार्वा को खत्म करेगा, वेक्टर क्या होता है, मॉस्किटो, और मॉस्किटो जो फिश है बेटा वो गंभीरता होती है। आपको ये वाला क्वेश्चन रिलेट होके आ गया, कहां से रिलेट कर दिया गया बेटा, अपना जो 12th का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां से रिलेट होकर आ गए हैं। तो गंबूशिया वहां पर फिश दी गई है जो क्या है बेटा, जितने भी लार्वा होते हैं मॉस्किटो के उनको इंटेक करती है, कतला नहीं करती बेटा, ना रोहू करती है, ना जो एनाबस है बेटा, एनाबस जो है बेटा ठीक है वो एक्वेटिक जो इनवर्टिब्रेट है उनको इंटेक करती है ज्यादातर, अंडरस्टैंड। तो इस वजह से अपना जो आंसर है बेटा कतला नहीं करेगी और रोहू भी नहीं करती बेटा, तो मेनली जो है बेटा ये अपनी एनसीईआरटी का पॉइंट है, यूं का यूं वहीं से क्वेश्चन बनाया मैंने, तो ये क्या रहेगा, गंबूशिया जो फिश है जिसको मॉस्किटो फिश के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है वो रहती है। अब कतला का पता है रोहू को, लेबियो रोहिता कह देते हैं, और एनाबस जो होता है बेटा उसको क्लाइंबिंग
पर्च जो है बेटा उसके नाम से जानते हैं, ये मॉस्किटो फिश, क्योंकि मॉस्किटो के लार्वा को इनटेक करता है बेटा, गंबुशिया जो फिश है, ठीक है। तो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ऑल ऑफ देम आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस, भाई सभी एम्फीबियंस के लक्षण हैं, इसमें जितने भी हैं बेटा वो सभी किसको शो कर रहे हैं, एम्फीबियंस के कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ ना कुछ ऐसा होगा बेटा इन चार में से जो उसके कैरेक्टरिस्टिक को नहीं शो कर रहा होगा एम्फीबियंस की। फर्स्ट क्या कहता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक। हाँ बॉडी डिवाइड तो होता है लेकिन वो किस किस में होता है, हेड ट्रंक नेक नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है बेटा, टेल। इन सम, सभी में नहीं मिलेगा बेटा, कुछ में प्रोमिनेंटली टेल दिखाई देती है, जैसे सेलेमेंडर में दिखाई देती है बेटा, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट होगा बेटा, नेक तो नहीं है सर, ठीक है, गलत है। स्केल आर एब्सेंट ऑन देयर बॉडी, हाँ भाई स्केल्स नहीं होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा उनका, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, अभी अभी समझा है, हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है बेटा। दे आर पोइकिलोथम्स, पोइकिलोथम्स का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कह दें या पोइकिलोथम्स कह दें बेटा, वो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा वैसा ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर बन जाता है, ठीक है, उन्हें हम पोइकिलोथम्स कहते हैं। तो आंसर जो बेटा एक्सेप्ट पूछा था तो फर्स्ट आंसर बन जाता है, बाकी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, साइक्लोस्टोम्स, जो साइक्लोस्टोम्स है बेटा हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग, भाई लंबी बॉडी है, स्केल्स इस पे भी नहीं मिलते बेटा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक दिया है, ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के पास बेटा इसके पास गिल स्लिट्स हैं, कितने यहां पर लिखा हुआ 6 से 15 जो गिल स्लिट्स हैं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 47, The precious commercial pearl is produced by, पर्ल जो है बेटा मोती, मोती की बात करते हैं तो वो पिंक टडा जो है बेटा, पिंक टडा, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है, मोलस्का के अंदर आता है पिंक टडा, ठीक है, जिसको हम पर्ल ओस्टर के नाम से जानते हैं, पर्ल ओस्टर जो है उसके नाम से जानते हैं। तो ओस्टर दिखा बेटा पिंक टडा, वही अपना आंसर हो गया, क्या करता है मोती, जो आप देखते हो ना सच्चा मोती, ये सभी क्या बेटा जो पर्ल होता है पिंक टाटा या पर्ल ओस्टर जो है बेटा उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, फोर विंग्स इन कॉकरोच, भाई फोर विंग की बात की है, कॉकरोच के अंदर बेटा टू पेयर्स ऑफ विंग्स मिलते हैं, कितने टू पेयर्स रहते हैं, कौन कौन से, फोर और हिंड, फोर और हिंड विंग्स, फोर विंग्स जो है बेटा वो कहां अटैच होते हैं, मीजोथोरेक्स के साथ, और हिंड विंग्स मेटाथोरेक्स के साथ, ठीक है, ये कवरिंग करते हैं बेटा, ये उसको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो अब अपने को पूछा है फोर विंग्स अराइज फ्रॉम मेसोथोरैक्स, और वो अपने थर्ड ऑप्शन दिया, जो हाइपो मेसोथोरैक्स आ गया बेटा, हाइपोफेरेक्स है बेटा वो क्या है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा इसके जो माउथ पार्ट है उनके अंदर, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा बेटा अपना जो आंसर है वो क्या रहेगा, मेसोथोरैक्स। ऐसे हिंड का पूछ ले तो मेटाथोरैक्स आंसर आ जाता बेटा, आंसर हो गया थर्ड, ठीक है, मेसोथोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्रेनेटा इंक्लूड्स, अब क्या होता है बेटा जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, वो
उसके अंदर दो डिविजन्स पहले रखे गए, ठीक है, अलग अलग हैं, कौन कौन से, ग्रेनेटा, एक तो यही लिखा बेटा, और दूसरा होता है एक ग्रेनेटा। जो एक ग्रेनेटा है बेटा, इसके अंदर दो अपने जो सब फाइला है बेटा वो आ जाते हैं, यूरो कोर्डेटा एंड सिफेलो कोर्डेटा। सिफेलो कोर्डेटा, ठीक है, और यहां क्रेनेटा जो है बेटा इसके अंदर जो सब फाइल आता है वो आता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। जो वर्टिब्रेटा बेटा वो आगे फिर डिवाइड हो जाता है किस किस के अंदर, अग्नाथ और ग्नेथो स्टोमेटा के अंदर वो डिवाइड हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, अब यहां कहता है कि क्रेनेटा इंक्लूड्स, क्रेनेटा में कौन कौन सा है बेटा, ये आ सकता है, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्यों, जो प्रोटोकॉर्डेट्स है बेटा यही, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं एक क्रेनेटा को। जो साइक्लोस्टोमेटा बेटा वो यहां आ जाता है अपने अग्नाथा के अंदर, तो आंसर हो गया फोर्थ, कौन सा आंसर होगा बेटा, 49 का फोर्थ आंसर हो जाता है, ओके। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन चार्ट, वर्टिब्रेटा, अग्नाथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नाथा के अंदर बेटा क्या जाते हैं, डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर आती है साइक्लोस्टोमेटा, इसकी जो दो सुपर क्लास है बेटा वो कौन कौन सी रहती हैं, अब ये दोनों फिशेज की है बेटा, तो यहां आगे पाइसिस और यहां आता है बेटा टेट्रापोड्स, टेट्रापोड आ गया, टेट्रापोडा के अंदर अपने जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एव्स जो हैं और मैमल्स जो हैं बेटा वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ए साइक्लोस्टोमेटा एक में दिया बेटा, बी पाइसिस एंड सी टेट्रापोडा, आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, विच वन इज द ट्रू फिश बिलोंग्स टू द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ट्रू फिश की बात की बेटा, जो सत्य मछली है इनमें से, कतला, सीपिया, सीपिया हो गया बेटा, सीपिया क्या है बेटा, ये फिश नहीं है बेटा, क्या है, मोलस्कन है, डेविल ऑक्टोपस, ये भी मोलस्का, ये दोनों तो क्या हो गए, मोलस्का, एंजल फिश है, ये क्या बेटा अपनी फिश होती है, किसके अंदर आती है, एंजल फिश जो है वो बोनी फिशेस के अंदर आती है, हैग फिश ये क्या है अपनी, जो आपने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा उसके अंदर आता बेटा, साइक्लोस्टोमेटा होता था, आंसर क्या हो गया थर्ड, ओके। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 52, द फिगर गिवन बिलो शोज द हेड फिगर ऑफ कॉकरोच, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेबल ए टू एफ, ए से एफ तक जो स्ट्रक्चर बेटा वो लेबल की गई है, ये है फर्स्ट जो है ऑसिलस, कंपाउंड आई, ठीक है, सी जो है बेटा जो सी पार्ट है वो मेंडिबल, डी जो है वो मैक्सिला, ई जो है बेटा वो लेब्रम और एफ जो है वो लेबियम। तो इसके अनुसार जब देखते हैं, सेकंड में लिखा बेटा देखो, ए ऑसिलस, कंपाउंड आई, मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम और लेबियम, तो आंसर हो गया सेकंड बच्चे इसका, 52 का आंसर जो है वो हो गया अपना सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर रिगार्डिंग द फीदर बाइपेडलर, फीदर बाइपेडलर हो गया मतलब वो क्या है बेटा, बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए और करेक्ट स्टेटमेंट देखना बेटा इनमें से कौन कौन सी है। फर्स्ट, दीज आर फीदर्ड एनिमल, सही है, फीदर्स रहते हैं बेटा उनके, ठीक है, एकदम करेक्ट। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू
लिम्ब, फोर लिम्ब जो है बेटा वो मॉडिफाई होते हैं किन के अंदर, लिम्ब्स में नहीं विंग्स में होते हैं बेटा, विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं हिंड लिम्ब्स आर एडेप्टेड फॉर वेरियस फंक्शन। हाँ, हिंड लिम्ब्स एडेप्ट हो गए दौड़ने के लिए बेटा, किसी चीज के ऊपर जब बैठते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए, चलने में उनमें हेल्प करते हैं, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। लंग्स आर एडेप्टेड फॉर डबल वेंटिलेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एवेस्कुलर एयर सैक्स। हाँ भाई, डबल वेंटिलेशन है, करेक्ट है, क्योंकि यहां पर एवेस्कुलर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो न्यूमेटिक बोन है बेटा वो प्रेजेंट रहती है इनके बाद। ओके, तो ये भी करेक्ट हो गया बर्ड्स के संदर्भ में। नेक्स्ट क्या है, ई दीज आर पोइकिलोथम्स। नहीं बेटा, पोइकिलोथम्स नहीं होते, ये होमियोथम्स होते हैं, होमियो थर्मिक एनिमल है बेटा, पोइकिलो नहीं होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट हो गया बी एंड ई। ए सी एंड डी आर करेक्ट है, ए सी एंड डी आर करेक्ट, जो थर्ड के अंदर दिया गया बेटा। तो आंसर हो गया अपना इस क्वेश्चन का थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर अपना 54 है, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत जो स्टेटमेंट है बेटा, जो असत्य कथन है उसका स्टेटमेंट है बेटा, रिगार्डिंग दी, किसके संदर्भ में, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है उसके संदर्भ में कौन सा गलत कथन है बेटा। फर्स्ट, बॉडी इज अबाउट 34 to 53 सेंटीमीटर, नहीं बेटा यहां पर mm हुआ है, मिलीमीटर, ठीक है, along with a wings which are more prominently or away, और ज्यादा जैसे एब्डोमन पार्ट है उससे भी बाहर तक विंग्स ऐसे निकले रहते हैं, किन के अंदर, इन मेल्स। वहां पर ये पॉइंट बेटा एनसीईआरटी का अपना। अब यहां mm की जगह सेंटीमीटर की जगह mm आना था, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया बेटा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन, करेक्ट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा बेटा ये। थर्ड, ईच बॉडी सेगमेंट इज कवर्ड बाय स्क्लेराइड्स। हां, बॉडी, पूरी बॉडी जो है बेटा, जितने भी सेगमेंट्स है वो स्क्लेराइड से कवर्ड रहते हैं, हार्ड जो कवरिंग है बेटा पैलेट फॉर्म की उससे कवर्ड रहते हैं, करेक्ट बात है। यहां पर जैसे दो साइड ले लें, डोर्सल और वेंट्रल, जो डोर्सल साइड है बेटा ट्रेगाइट्स जो होते हैं उससे कवर होती है, और जो वेंट्रल साइड है बेटा वो स्ट्रेगाइट्स जो होते हैं बेटा उनसे कवर्ड रहती है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका, डीटी डीटी ट्रेगाइट्स वेंट्रल साइड में स्क्लेराइड, ठीक है, डीटी वीएस से याद कर ले बेटा। नेक्स्ट, अब ये गलत था, ये सही प्रॉपर्टी, ये भी सही है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 10 spiracles, 10 pair spiracles होते हैं बेटा लेटरल साइड में। इसका काम क्या है बेटा, रेस्पिरेशन, जो अपने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है बेटा, जैसे ये खुले हुए जो भाग हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ऐसे कॉकरोच के अंदर लेटरल साइड में इस तरफ भी और इस तरफ बेटा ऐसे ही ओपनिंग्स होती हैं, जिनके हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो गलत स्टेटमेंट है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो होगी फर्स्ट। तो आंसर हो गया बेटा फर्स्ट इसका 54 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एब्डोमन पार्ट में बेटा 10 segments प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एब्डोमन में कितने हैं, 10, और थोरेक्स 3 parts होते हैं, प्रोथोरेक्स, मिजो और मेटा, ठीक है। तो अपना आंसर जो है बेटा वो हो गया सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, नॉट रिस्पॉन्सिबल कह रहे बेटा फॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो दिखा रहा है बेटा, दोनों सेक्सेस को अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है, नोट वाला देखना, नॉट रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच, जो मेल और फीमेल कॉकरोच को अलग अलग नहीं दिखाता, दोनों में एक जैसी संरचना उपस्थित होती है। तो यहां पर जो ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट एनल स्टाइल, केवल मेल के अंदर होता है बेटा,
किसमें रहता है? मेल में. ए नाइन जो है, नाइन्थ एब्डोमन सेगमेंट होता, वहां पर प्रेजेंट होता है ये एब्डोमन. एब्डोमन मेल जो होता है बेटा, मेल जो कॉकरोच है, ये मेल का साइन है बेटा, ऐसे एरो लगाते हैं. और दूसरा फीमेल जो है, फीमेल के अंदर बोट शेप होता है बेटा, और यहां पॉइंटेड या वी शेप कहते हैं उसको, वी शेप का प्रेजेंट होता है बेटा एब्डोमन. विंग्स जो होते हैं मेल के अंदर, अभी अभी मैंने दिखाया, मेल की अगर बात करें तो मेल के विंग्स बड़े होते हैं, फीमेल के छोटे. लॉन्ग विंग्स और यहां शॉर्ट. एब्डोमन से छोटे होते हैं बेटा, यहां एब्डोमन से बड़े विंग्स रहते हैं. ठीक है. एनल सरसी, तो ये देखो, ये भी अलग प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी अलग करता है, ये भी अलग करता है. नॉट रिस्पॉन्सिबल कहा था, ये सारे तो उसके डिफरेंस को शो करते हैं बेटा. ठीक है. जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है मेल फीमेल में वो दिखाते हैं बेटा. ये भी दिखाता है, फर्स्ट वाला भी, सेकंड भी और फोर्थ भी. लेकिन जो थर्ड है एनल सरसी, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, मेल में भी है और फीमेल में भी, दोनों में प्रेजेंट होता है. कहां प्रेजेंट होता है बेटा? ये जो ए टेन है, एब्डोमन है, टेन सेगमेंट है, याद रखना. किस सेगमेंट पे? एब्डोमन के टेंथ सेगमेंट पे बेटा. सेंसरी स्ट्रक्चर है ये. ओके. तो आंसर क्या हो गया अपना? थर्ड. नॉट रिस्पॉन्सिबल की बात की थी तो थर्ड आंसर हो जाता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57. 57 में क्या कह रहा है? विच ऑफ दी स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम दी थोरेक्स ऑफ अ कॉकरोच. कौन कौन सी स्ट्रक्चर वहां से अटैच या वहां से जुड़ी हुई रहती है बेटा, अराइज हो रही है, कौन कौन सी रहेंगी भाई? अब थोरेक्स है तो पहले तो हेड पार्ट होगा, और फिर अपना जो प्रोथोरेक्स है. ठीक है, वो पार्ट हो गया. फिर मिजो और फिर मेटा, ये स्कैंडिना हो गया, ये कंपाउंड आई हो गई बेटा. तो मिजो एंड मेटा, यहां हर एक सेगमेंट से बेटा जो जॉइंटेड लेग्स हैं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं. अब एक तो सर्वाइकम होगा एंड फर्स्ट पेयर ऑफ लेग. सर्वाइकम का मतलब होता है बेटा नेक, गर्दन. करेक्ट है सर, आंसर तो यही आ गया, वहां से तो यही अराइज हो रहे हैं. फर्स्ट पेयर ऑफ लेग विंग्स, विंग्स नहीं अराइज होते, गलत. फोर विंग्स नहीं है बेटा. एंटीना, एंटीना हेड में, ये भी गलत. तो आंसर हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच एंड देयर फंक्शन. कार्य के साथ गलत मिलान जो है बेटा, गलत, इनकरेक्ट मैच देखना है. मैंडिबल, चीविंग एंड क्रशिंग, भोजन को चबाता और जो पीसने का काम करता बेटा, सही है. फेरेक्स, सिक्रीशन ऑफ स्लाइव, नहीं बेटा यहां पर स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. स्लाइवरी ग्लैंड से बेटा वन पेयर, वो क्या करती हैं? स्लाइवा का सिक्रीशन करती हैं. तो इनकरेक्ट हो गया सर, यहां से तो फूड जाता है इसके अंदर बॉडी में. ठीक है. नेक्स्ट मैक्सिला, फूड को होल्ड करने का काम करता है, एकदम करेक्ट. मैक्सिलरी पल्प, बियर रिसेप्टर ऑफ टेस्ट, रिसेप्टर से टेस्ट रहते हैं बेटा इसके पास, पल्प है, बाहर की ओर निकली हुई ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है बेटा. ठीक है. तो सेंसरी और टेस्ट जो है बेटा कि उस फूड का कैसा टेस्ट है उसका पता लगाती है बेटा. डन. तो आंसर जो है बेटा इनकरेक्ट मैच जो आ रहा है बेटा वो हो गया अपना सेकंड. तो आंसर क्या हो गया अपना? सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द गिवन फिगर शोज सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, आइडेंटिफाई करेक्ट लेबल ए टू डी. ए बी सी डी जो है उनको करेक्ट लेबलिंग देखना है बेटा. अब ये बताओ ये जो लेबलिंग है बेटा ये किसको शो कर रहा है, अपने को ये जानना है. यहां पर ये देखें, ये जो ए है बेटा ये अपने नर्व कोड को दिखाता है. ये नोटो कोड, ठीक है. पोस्ट एनल टेल, तो ये है पोस्ट एनल पार्ट कहते बेटा या टेल पार्ट. ये गिल स्लिट्स हो गई, यहां पर गिल स्लिट्स. तो इसको मैच जब करते हैं नर्व कोड ए के अंदर
इसी में दे रखा बेटा, तो आंसर अपना बी में नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और गिल स्लिट्स, सेकंड आंसर हो जाता बेटा इसका। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सेलेक्ट दी मिसमैच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। गलत पेयर देखना बेटा, फर्स्ट हार्ट लोकेटेड मिड वेंट्रल, नहीं बेटा मिड डोर्सल ही होता है, मिड डोर्सल साइड में रहता है। 12 पेयर ऑफ ओस्टिया रहते हैं, तो ये इनकरेक्ट होता है, डोर्सल साइड में रहता है। एलेरी मसल्स जो होती है बेटा हार्ट के अंदर, यहां पर जितने हैं बेटा उतनी ही क्या है एलेरी मसल्स होती हैं, 12 पेयर जो हार्ट को सपोर्ट करती हैं, एकदम करेक्ट। वेंट्रल डायफ्राम डिवाइड्स दी, जो नीचे वाला डायफ्राम है वेंट्रल साइड वाला बेटा यहां पर, ठीक है। अगर ऐसे बात करें तो कॉकरोच का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाए ऐसे, ये डोर्सल और ये वेंट्रल, यहां पर नर्व कोड होती है बेटा, ठीक है नर्व है, और यहां इस तरफ हार्ट रहता है, 13 चैंबर्ड हार्ट। जैसे मैंने सर्कल बना दिया तो ये किसको शो कर रहा है? हार्ट, ठीक है। तो वेंट्रल डायफ्राम, यहां डायफ्राम बना होता है बेटा ऐसे, यहां भी डायफ्राम एक, तो जो वेंट्रल डायफ्राम है बेटा वो डिवाइड करता है पेरी न्यूक्लियर, तो ये क्या है नर्व कोड, ठीक है। तो नर्व कोड के पास बेटा जो फ्लूड रहता है, जो स्पेस है बेटा, उसको पेरी न्यूरल स्पेस कह दिया, और जो बीच वाला स्पेस है बेटा इसको पेरी विसरल साइनस के नाम से जानते, तो इन दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। और ये वाली जो ऊपर वाली बेटा डोर्सल, डोर्सल डायफ्राम किसको कहो, जो पेरिकार्डियम और पेरिविसरल जो स्पेस है बेटा उसको डिवाइड करता है, ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट है। हार्ट चैम्बर प्रोवाइड विद वॉल्स, जो हार्ट होता बेटा इसके अंदर इस तरह से रहते हैं, और इनके अंदर बेटा क्या रहते हैं ओस्टिया ओपनिंग्स होती है, ठीक है, जिनके पास क्या रहते हैं बेटा वॉल प्रेजेंट होते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन मिसमैच कौन सी बेटा, फर्स्ट, तो अपना जो आंसर है बेटा वो क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी सेगमेंट, जो सेगमेंटल गैंग्लिया है बेटा, हाउ मेनी सेगमेंटल गैंग्लिया नर्वस सिस्टम के पास पहुंची बेटा, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल नर्व कोड इन द एब्डोमन पार्ट, एब्डोमन पार्ट में पहले बात करें बेटा टोटल सेगमेंटल जो गैंग्लिया बेटा वो 9 होते हैं, उसमें से दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 जो हैं वो थोरेक्स में और बाकी जो 6 है बेटा वो एब्डोमन में, एब्डोमन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। आप कह रहे हैं कॉकरोच के अंदर एब्डोमन में कितने बेटा, तो आंसर हो गया 6, ओके। अगर वो थोरेक्स में पूछे तो 3 आंसर रहेगा बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव, नोट करें बेटा नहीं है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कॉकरोच, जो फीमेल कॉकरोच है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा जो ऑप्शन है बेटा वो नहीं इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट स्पर्माथिका प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है, स्पर्माथिका वन पेयर रहता है, वन पेयर A6 के अंदर, A6 एब्डोमन 6 पार्ट बेटा, 6 सेगमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेकंड ऊथिका, ऊथिका बेटा ये तो क्या है, वो स्ट्रक्चर है जो वो रिलीज करता है बेटा, जिसके अंदर इनके जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा, ये तो उसकी स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है बेटा, तो ये उसका पार्ट नहीं है, ये रहता है। सेकंड कोलेट्रल ग्लैंड, हाँ कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं बेटा वन पेयर, ठीक है, ये क्या करता है, जो एग जो है बेटा या जो अपने ऊथिका है, ठीक है, उनके चारों ओर की जो कवरिंग होती है उसको बनाता है, ऊथिका का फॉर्मेशन करता है बेटा, इसका ऊथिका रिलीज करता है, ओथिका सेक,
ओवरियोल्स, ओवरीज इसके अंदर बेटा वन पेयर रहती हैं, ठीक है, और कहां से कहां तक, सेकंड जो है एब्डोमन सेकंड, वहां से सिक्स तक। अब इसके अंदर हर एक, ईच ओवरी, हर एक ओवरी में एट ओवरियोल्स रहते हैं, एट ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा, कितने ओवरियोल्स होंगे हर एक ओवरी में, आठ, हर एक कॉकरोच में कितने होंगे, 16, ठीक है, तो ये भी होगा, तो आंसर होगा बेटा अपना सेकंड, उथिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इन एट टेट्रापोड बॉडी, टेट्रापोड्स बेटा जिनके लिम्स प्रेजेंट होते हैं उनको टेट्रापोड्स कहते हैं। नोटोकोड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है भाई, एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोड रहता है, एंड मे परसिस्ट इन एडल्ट, बेटा नहीं, नोटोकोड बाद में वर्टिब्रा कॉलम में चेंज हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया। नर्व कॉर्ड इज परसिस्ट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड लॉस्ट इन एडल्ट, ये भी गलत है, लॉस्ट नहीं होता बेटा। नोटोकोड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड इज रिप्लेस्ड इन वर्टिब्रा कॉलम इन ऑल दी एडल्ट फॉर्म्स, सही है, वर्टिब्रा कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, क्यों, क्योंकि जो टेट्रापोड्स है बेटा वो क्या है, वर्टिब्रेट्स के अंदर ही आते हैं बेटा, ठीक है। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रा कॉलम इन एडल्ट, अब कह रहा है कि जो नर्व कॉर्ड है बेटा वो बदल रही है, नर्व कॉर्ड नहीं बदलती है बेटा, क्या बदलती है, नोटोकॉर्ड, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट जो स्टेटमेंट है बेटा वो हो गया अपना थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइक्लोस्टोम्स, जो साइक्लोस्टोम्स है बेटा उनके संदर्भ में देखना है, इज प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट होगा बेटा, अपने को सही देखना है कौन से प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट, हाँ गिल स्लिट्स रहते हैं, लेकिन बेटा वो केवल इसी में नहीं है ना, इसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोई ना मूलभूत, ये तो सर इसके साथ साथ जो फिशेज होती हैं उनमें तो प्रेजेंट होगा, तो मूलभूत तो नहीं हुआ, तो गलत हो गया। राउंडेड सेक्टोरियल माउथ, हाँ जोलेस फिश होती है बेटा ये, तो इनका माउथ जो होता है जैसे चूसक टाइप का होता है कि वो स्टक कर जाएं और फूड को इनटेक करते हैं जो भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे बेटा, हाँ ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है सेक्टोरियल माउथ वाली, ठीक है बेटा, तो ये रहेगा सही है, इसके संदर्भ में जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा स्पेसिफिकली वो इसी के संदर्भ में है, प्रेजेंस ऑफ जो, जो नहीं रहता है, प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, हाँ देखो यहां पर ये जो साइक्लोस्टोम्स है, क्रेनियम तो बेटा जितनी फिशेज हैं उनके अंदर भी है, बाकी जो एनिमल्स हैं जितने भी हम मेंबर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, सभी के अंदर है, तो वो तो इसका केवल इसी का ही कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं दिखा रहा बेटा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर जो है बेटा यहां पर अपना सेकेंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुचन एरिया इज, वुचन एरिया बेनक्रॉफ्टी बेटा किसके अंदर आ जाता है, अपना जो वुचन एरिया बेनक्रॉफ्टी है वो रहता है एस्केलमेंथिस के अंदर, जिनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म। फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सुडोसिलोमेट भी होते हैं सर, एकदम करेक्ट। रेडियल सिमेट्री, रेडियल नहीं रहता बेटा, गलत, तो सेकंड हो गया इनकरेक्ट। थर्ड बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ए सिलोमेट नहीं बेटा, ये सुडो सिलोमेट होते हैं, इनकरेक्ट। फोर्थ रेडियल सिमेट्री, रेडियल तो रहती नहीं है सर, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब सुडो सिलोमेट क्या होते हैं, सुडो सिलोमेट का मतलब क्या है बेटा, एक ट्रू सिलोम नहीं है, ठीक है, मिजोडर्म से लाइन। अब यहां क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाउचेस के रूप में मेसोडर्मल जो पाउच होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आपको डायग्राम अगर देखें तो वो इस तरह से मिलेगा बेटा, जैसे मैंने डायरेक्टली मैं एक एक लाइन से दिखाता हूं, ये ल्यूमन हो गया, ठीक है, इसके अंदर ऐसे पाउच के रूप में प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, तो वो क्या है अपना सुडोसिलोमेट, जो सुडोसिलोम है उसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, तो आंसर हो गया फर्स्ट बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, वन एनिमल इज फाउंड नियर सी शोर, समुद्री किनारे के पास एक जीव मिला, इट हैज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंटेशन बेटा इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी
टुकड़ों में बटी हुई है, दोनों तरफ अंदर से भी और बाहर से भी। और मेटामेरिक सेगमेंटेड जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेड, मेटामेरिक वर्ड मैंने यूज कर लिया इसके लिए बेटा, एम किस किस में है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनालिड्स, एनालिडा फाइला होगा बेटा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और दूसरा आता अपना कोर्डेट्स। तो इनके अंदर बेटा किसमें, अब कह रहा आगे क्या कह रहा है, एंड पैरापोडिया आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, और पैरापोडिया क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है चलने के। और पैरापोडिया बेटा जो हमने एनसीईआरटी के अंदर जो अपने एनालिड्स हैं उसके अंदर स्टडी किया है, नेरिस के अंदर देखे थे पैरापोडिया, ठीक है। तो यहां ऑप्शन है नेरिस, नेरिस आंसर हो जाता बेटा। अब हिरुडिनेरिया भी तो उसी में आता है सर, इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है बेटा वो क्या होते हैं, सीटे, यहां पैरापोडिया और सीटे दोनों रहते बेटा, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते बेटा, सीसोर के पास नहीं पाती लीच हिरुडिनेरिया बेटा, ठीक है। जो लेम्ब्रिकस बेटा ये भी अर्थवर्म है, ये दोनों क्या है, अर्थवर्म, ये दोनों अर्थवर्म बेटा, इंडियन अर्थवर्म के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं आ सकते, आंसर हो गया अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अभी अभी मैंने समझाया किस किस के अंदर प्रेजेंट होता बेटा, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स, आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है द ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर वेक्टर, वेक्टर है बेटा किसी भी डिजीज के लिए, तो जितने भी मॉस्किटोज होते हैं बेटा वो सभी वेक्टर होते हैं, जितने भी अपने जो टिक्स एंड माइट्स होती है बेटा, टिक्स एंड माइट्स, मॉस्किटोज, टिक्स एंड माइट्स, ठीक है, ये क्या है बेटा, वेक्टर हैं अलग अलग बीमारियों के लिए बेटा। तो यहां पर देख लेते कहां है, लोकस्टा नहीं आ सकता बेटा, लेसिफेरा भी नहीं आएगा, लाख का प्रोडक्शन करता है, एडीज आ सकता था लेकिन फिर भी गलत हो गया, एडीज रहेगा, टिक माइट्स आंसर तो सेकंड हो गया, क्यूलेक्स भी बेटा डिजीज का, ल्यूमिनस नहीं है, टिक्स रहता है, फिर क्या रहेगा, फोर्थ क्या बेटा, एनाफिलीज है, सही है, बॉम्बे मोरक्स सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन करता है, टर्माइट्स बेटा, टर्माइट्स जो है वो भी डिजीज का आज कर लेती, लेकिन ये भी इनकर, अपना आंसर क्या रहेगा, सभी डिजीज काजिंग वेक्टर कौन कौन से बेटा, अब यहां पर बेटा उसके साथ साथ एडीज के साथ क्यूलेक्स और एनाफिलीज क्यों ना, और लिख दे, ये सारे मॉस्किटो के प्रकार है बेटा, जैसे क्यूलेक्स, और एडीज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक वेक्टर की तरह काम करते हैं बेटा बीमारियों के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा 69, एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, याद रखो बेटा एक ही ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है बेटा, जो पूरा सिस्टम वो एब्सेंट है, ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन बेटा इकोनोडर्म्स में मिलेगी, फिर प्लेनेरिया में बताए लेकिन वहां भी नहीं बेटा, दूसरा एक्सक्लूसिवली मैराइन, मैराइन है बेटा, तो वो केवल और केवल इकाइनोडर्म्स मिलेंगे बेटा, क्या रहेंगे, इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स होगा बेटा इसका आंसर, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं ये अपने इकाइनोडर्म्स होते हैं उनकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस क्या बेटा, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा है, हेमिकोडेटा की जितनी प्रॉपर्टी है बेटा वो रहेंगी, उनमें से कौन सी नहीं है, नोट जो प्रॉपर्टी नहीं वही अपना आंसर हो जाएगा बच्चे यहां पर। तो क्या क्या रहेगा बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, सही है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता था, वॉर्म लाइक होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये भी करेक्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, नहीं बेटा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है, इसके अंदर ऐसा होता है ओपन टाइप का, तो ये इनकरेक्ट हो गया,
एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, हाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबोसिस ग्लैंड है। तो आंसर अपना कौन सा बेटा जो गलत है वो है थर्ड, तो आंसर हो गया थर्ड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, साइजोसिलोमेट्स एंड एंटेरोसिलोमेट्स एनिमल्स आर, बेटा ये दोनों ही अपना जो ट्रूसिलोमेट्स होते हैं उन्हीं के तो टाइप है, ठीक है। इसके अंदर आए कौन कौन से, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, और यहां इकाइनोड्रामेटा से लेकर कोर्डेट्स तक सारे आ गए बेटा, ठीक है। तो आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मैमल्स शो ऑल द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, भाई मैमल्स सभी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, एक होगा इन चार में से उसको छोड़कर बेटा। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर पिना, ये कह रहा है कि भाई है जो ईयर पिना बेटा वो प्रेजेंट होता है, हाँ ईयर पिना होता है बेटा, ठीक है, ईयर और ईयर पिना प्रेजेंट होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्मोरेगुलेटर होता है बेटा, तो थर्मोरेगुलेशन अगर कर रहे हैं बेटा तो होम्योथर्म्स कहलाएंगे बेटा, होम्योथर्मल हो गए, दे रेगुलेट देर बॉडी टेम्परेचर बेटा, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बेटा, हम एमएल है मेंटेन रहता है, बाहर भले ही 0 डिग्री क्यों नहीं हो जाए बेटा, तो ये भी करेक्ट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डायरेक्ट डेवलपमेंट इट मींस लार्वा फॉर्म में नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल टीथ आर सेम, नहीं बेटा सभी टीथ एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टाइप की अपनी बात करें तो, ठीक है, अलग अलग हमारे अंदर इस तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मिलेंगे बेटा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो अपना आंसर हो गया फोर्थ। 73, इन यूरो कोऑर्डिनेट्स, सिफेलो कोऑर्डिनेट की कहानी समझी थी हमने, अब बात करते हैं यूरो कोऑर्डिनेट की। यूरो कोऑर्डिनेट द नोटोकोड इज, नोटोकोड जो बेटा यूरो कोऑर्डिनेट्स में केवल लार्वा जो होती है उसकी टेल में प्रेजेंट होती है, जैसे ही वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है वो खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है बेटा, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रा कॉलम इन एडल्ट, गलत, वर्टिब्रेट्स में होता बेटा ये, फाउंड ओनली इन लार्वा टेल एंड परसिस्ट इन एडल्ट, परसिस्ट नहीं करता बेटा, ये भी गलत हो गया, फाउंड ओनली इन लार्वा टेल एंड लॉस्ट इन एडल्ट, हाँ लॉस्ट हो जाती है एडल्ट में, ये करेक्ट है, फाउंड इन लार्वा फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल नहीं है बेटा, ये केवल टेल पार्ट में रहती थी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर हो गया थर्ड बच्चे इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, प्रेजेंस ऑफ डाइकोंडाइलिक स्कल, बेटा इसका मतलब दो ओसिपिटल कोंडाइल है, मतलब हमारी जो ये खोपड़ी है बेटा पीछे से दिखाऊं तो ये अपनी ये पूरा जो स्कल पार्ट है ये अपनी जो बैकबोन है उसके साथ अटैच है, तो यहां दो कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर फिट रहती है बेटा इस तरह से, इस तरह से फिट है, ये समझ लो ऐसे फिट रहता है, ठीक है। तो डाइकोंडाइलिक ग्लैंडुलर स्किन, स्किन पे ग्लैंड्स भी है, आईज विद वेस्टिजियल नेक, जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है बेटा वो वेस्टिजियल है, हमारे अंदर वेस्टिजियल है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह स्टडी करते हैं, और यूरोटेलिक मतलब यूरिया एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है नाइट्रोजन वो क्या है यूरिया रहता है, ठीक है। आर द फीचर्स ऑफ, तो यहां पर ये देख लो कि मैमल कौन है, किसकी बात कर रहा है बेटा मैमल, डाइकोंडाइलिक कौन कौन रहता है बेटा, एक तो मैमल्स और एक एम्फीबियंस, लेकिन एम्फीबियंस बेटा उनके अंदर निक्टेटिन मेम्ब्रेन वेस्टिजियल नहीं होती बेटा, काम की रहती है उनके अंदर, वर्किंग रहती है, ठीक है। तो टेस्टुडो, टेस्टुडो नहीं आ सकता बेटा, ठीक है, ये भी नहीं, सेलेमेंडर भी नहीं रहेगा, कैमिलियन भी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि टेस्टुडो और ये दोनों बेटा क्या बोला, टेस्टुडो और कैमिलियन ये रेप्टाइल्स है बेटा, और जो अपना सेलेमेंडर है, यहां लिख देता हूं बेटा, सेलेमेंडर जो है वो एम्फीबिया है, तो एम्फीबिया डाइकोंडाइलिक तो हो गया, लेकिन निक्टेटिन मेम्ब्रेन बेटा इनमें फंक्शनल रहती, वेस्टिजियल नहीं होती। अब ये जो है मेरकोपस बेटा, इसको ये क्या है, कंगारू, जो अपना कंगारू बेटा,
उसको मैक्रोपस कहते हैं, वो मैमल है तो उसके अंदर ये शो करेगा। तो अपना आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट 75, क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट इन, मैंने अभी अभी समझाया बेटा, क्लैस्पर्स जो हैं वो मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अपनी इलेसमोब्रैंक्स है उनके मेल में, और कहां, पेल्विक फिन के पास, नियर पेल्विक फिन। तो आंसर क्या रहेगा, मेल स्कोलेडोन। स्कोलेडोन क्या होगा बेटा, जो स्कोलेडोन है वो डॉग फिश जो होती है बेटा उसको कहते हैं, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस फिश है, इलेसमोब्रैंक जिनको कहते हैं, और मेल के अंदर है नियर पेल्विक फिन, करेक्ट हो गया बेटा, अपना आंसर जो हो गया वो फोर्थ हो जाता है बेटा इसका। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 76, इन प्रोटोस्टोम एनिमल फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लास्टोपोर फॉर्म, भाई जो अपने प्रोटोस्टोम्स होते हैं, ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कि उसके अंदर जो ब्लास्टोपोर है बेटा वो पहले क्या बनाता है, माउथ या एनस की ओपनिंग बनाता है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो गए, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक तो हो गया प्रोटोस्टोम्स और दूसरे ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं बेटा, ठीक है। अब प्रोटोस्टोम्स जो हैं इनके अंदर ब्लास्टोपोर, जो ब्लास्टोपोर है बेटा वो किसका फॉर्मेशन करता है, माउथ का, किसका, माउथ का फर्स्ट, याद रखना पहले किसका फॉर्मेशन करा है, माउथ का, डन। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो बेटा ब्लास्टोपोर किसका बनाएगा, माउथ को, आंसर तो पता लग गया। लेकिन जो ड्यूट्रोस्टोम है बेटा इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो पहले क्या बनाएगा, एनस। अब बात आती है सर इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं बेटा उससे अच्छा है कि आप पहले ये याद कर लें ड्यूट्रोकोन है, बाकी बच गए वो प्रोटो गए। तो यहां याद रखे जो इकाइनोडर्म्स है बेटा से लेकर कोर्डेट्स तक सभी क्या है, ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम कौन कौन से हो गए बेटा, जो एस के एलमेंथिस है वहां से लेकर मोलस्का तक बेटा, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा वो कंप्लीट जो बनी थी वो किसके अंदर बनी थी बेटा, एस के एलमेंथिस में, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो अपना आंसर जो है बेटा वो हो गया थर्ड इसका। नेक्स्ट जो है 77, मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत कथन देखना है, विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालफिजियन टिब्यूल्स विच अकर एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, ठीक है भाई, मिड गट और हिंड गट है उसके जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बात सही है, प्रेजेंट होगा उसी के है, क्योंकि जो हिंड गट है उसका जो इलियम पार्ट है बेटा वहां पर जंक्शन बना रहा है, अंडरस्टैंड, सही है सर। कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड रिलीज करता है, स्टेटमेंट सही है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज क्लोज टाइप, बेटा क्लोज टाइप का नहीं रहता, क्या रहता है, ये क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट्स बदल दी, क्वेश्चन वही है, एक दो स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, आंसर उसी से रिपीट कर दिया, तो वो क्या बेटा क्वेश्चन को घुमाकर आपको कई बार उसी क्वेश्चन का वैसा दे देता ऑप्शन चेंज करके, ठीक है, कई बार आंसर को क्वेश्चन बना दे और क्वेश्चन को आंसर बना देता है कई बार अपने नीट एग्जाम में। तो ये नहीं रहेगा, ओपन टाइप कर रहा था बेटा, ये फोर्थ स्टेटमेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन्स आउटसाइड 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल, सही है, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं, तो फोर्थ भी सही है, आंसर हो गया थर्ड बच्चे इसका जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के लेग में बेटा जो सेगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से रहते हैं ये जान लेते हैं हम, ठीक है, तो ये आपको याद करने का ट्रिक है बेटा, CTF बेटा कोक्सा, ट्रोकेंटर, फ्यूमर,
टीबिया टार्सस, जो कोक्सा है वो ब्रॉडेस्ट, ये स्मॉलेस्ट सेगमेंट है, ये जो अपना है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फीमर, ठीक है, टीबिया जो है बेटा ये लॉन्गेस्ट सेगमेंट है, ठीक है, तो आंसर तो अपना फर्स्ट आ गया बेटा, और जो टार्सस है वो सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड पार्ट, फाइव सेगमेंट से रहते हैं, तो आंसर हो गया अपना, अगर लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, इन कॉकरोच ईच उथिका कंटेन, बेटा 9 से 10 उथिका होते हैं और हर एक उथिका में 14 टू 16 एग्स रहते हैं, सेकंड आंसर हो गया बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 80, बॉडी इज अनसेगमेंटेड कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड मस्कुलर फुट विसरल हम, इनमें डिवाइड जो है बेटा वो मोलस्क की बॉडी होती है, ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन फाइला मोलस्क का, आंसर हो गया फोर्थ बेटा, ठीक है, ये स्पेलिंग सही कर लेना बेटा, ये आर्थोपोडा है, ये क्या है आर्थोपोडा, आर्थोपोडा लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट दी इनकरेक्ट पेयर, भाई गलत जो पेयर है उसको पहचानना है, ऑफिरस ब्रिटल स्टार कहते हैं एकदम करेक्ट कॉमन नेम, पिंकटडा ऑस्टर पर्ल को कहते हैं बेटा, मेनेंड्रेना, जो मेनेंड्रेना है बेटा वो ब्रेन कोरल है एकदम करेक्ट है, स्पोंजिला, स्पोंजिला बेटा ये इनकरेक्ट आ गया, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, तो ये इनकरेक्ट हो गया सर, ठीक है, तो आंसर हो गया फोर्थ बेटा इसका, आंसर कौन सा हो गया अपना फोर्थ आंसर हो जाता है बेटा इसका। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 82, द पोजीशन ऑफ हार्ट इन कॉकरोचेस, अभी अभी बताया बेटा मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड अब्डोमन वहां रहता है बेटा, तो आंसर क्या हो गया अपना फोर्थ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन एनिमल्स इज करेक्ट, सही कौन सा है बेटा, फ्लैट वॉर्म जिनको हम प्लेटी एलमेंथिस कहते हैं एकदम करेक्ट, ये ए सिलोमेट्स होते हैं, सिलोमेट्स नहीं रहते हैं, ठीक है, ए सिलोमेट होते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट होता है सर इसके संदर्भ में, इनकरेक्ट। राउंड वॉर्म एस के एलमेंथिस आर सूडो सिलोमेट्स, हाँ सूडो सिलोमेट्स होते हैं एकदम करेक्ट, मोलस्क आर सूडो नहीं मोलस्क बेटा सिलोमेट्स होते हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, इंसेक्ट्स आर सूडो सिलोमेट, ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर हो गया सेकंड बच्चे 83 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ट्रू सिलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट टाइम जो ट्रू सिलोम है बेटा, जो सिलोम है फर्स्ट टाइम किसमें दिखा था बेटा, जो अपने ये बताओ जो एस के एलमेंथिस है उनके अंदर कौन सा आता है सूडो सिलोमेट, और एस के एलमेंथिस के बाद जो फाइला आता है बेटा एनेलिडा आता है, उनके अंदर क्या मिलता है ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, वो भी कौन सा साइजो सिलोम, ठीक है, तो एनेलिड आंसर बन जाता है बेटा इसका, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 85, काइटिन इज फाउंड एज एक्सोस्केलेटन, काइटिन जो है बेटा वो किन के अंदर मिलती है, अपने जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, उनके एक्सोस्केलेटन में, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा ये, डायरेक्टली मैंने वहीं से क्वेश्चन बनाया तो आप डायरेक्टली उसे याद रखें बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले ढाले जो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक बेटा उनके संदर्भ में कौन सा गलत है बेटा, नॉट रिलेटेड जो रिलेट नहीं करता है, इट मोस्टली प्रोवाइड बेस ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का बेस प्रोवाइड करता है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि बेसमेंट जो लेयर है बेटा एपिथेलियल टिश्यू को उसके जस्ट नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बेटा, करेक्ट। दीज हैव फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, सही है, फाइब्रोब्लास्ट जो है बेटा वो कोलेजन फाइबर का सिक्रेशन करते हैं,
मैक्रोफाजेस और मास सेल भी यहां पर प्रेजेंट होती है बेटा। नेक्स्ट, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट अरेंज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं रहते बेटा, लूज फॉर्म में अरेंज रहते हैं बेटा। कैसे रहते हैं? लूज फॉर्म में अरेंज रहते हैं। कॉम्पैक्ट में आ गया तो ये किसको दिखाए बेटा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू को शो करता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कैन बी स्टोर फैट, हाँ एडिपोज टिश्यू आ जाता है बेटा यहां पर। एडिपोज टिश्यू, अंडरस्टैंड? तो ये भी करेक्ट है, आंसर हो गया थर्ड बेटा, गलत जो रिलेट कर रहा है बेटा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मैच द कोलम, जो नर्वस टिश्यू बेटा वो एक्साइटमेंट है बेटा, क्या हमेशा पोलराइज फॉर्म में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्डियक मसल, जो कार्डियक मसल है बेटा वो कहां प्रेजेंट होंगी? ये जो टिश्यू है बेटा ये यहां नहीं है, यहां लिखा है बेटा, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स जो है बेटा वो कहां मिलती हैं? हमारे हार्ट में। और ये क्या है बेटा? स्टेटेड एंड ब्रांच्ड रहती है बेटा, और इनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। टिप ऑफ नोज, हमारे नोज के टिप पर बेटा यहां पर क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कौन सा? इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज रहता है। लिगामेंट कॉर्ड फॉर्म्स द कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो लिगामेंट है बेटा वो किस किस को कनेक्ट करता है? बोन को बोन से, ठीक है। तो इसके अनुसार जब मैच करते हैं बेटा, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, तो आंसर हो गया अपना थर्ड बेटा इसके अनुसार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत कौन सा मिलाना बेटा उस क्वेश्चन में। मोनोसाइट्स, जो मोनोसाइट्स होते हैं बेटा वो हेपेरिन का प्रोडक्शन नहीं करते बेटा, ये फेगोसाइटिक इन नेचर रहती है बेटा। क्या करते हैं? फेगोसाइट। हेपेरिन जो है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, इनका प्रोडक्शन बेटा जो अपने बेसोफिल्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट्स, नहीं सॉरी, टी हेल्प करते हैं, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, बी प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं बेटा, वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है करते हैं बेटा, ठीक है। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस शो करते हैं, एकदम करेक्ट। इओसिनोफिल एलर्जिक रिस्पॉन्स करते हैं बेटा, ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो? फर्स्ट, तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट। नेक्स्ट जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 89, द इनएबिलिटी टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स मे बी ड्यू टू द डैमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम। भाई ये याद रखो, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है उसके पास कौन सा रहता है बेटा? जो अपने सिंपल कोलमनर, जो एपिथेलियल टिश्यू बेटा वो रहता है, वो फोल्डिंग बनाकर जो अपनी विलाइज है उनका फॉर्मेशन करता है। तो आंसर क्या रहेगा बेटा? कौन सा इफेक्ट होगा? सिंपल जो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू बेटा वो डैमेज होगा, जिसकी वजह से फूड अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आंसर अपना सेकंड हो जाता है बेटा इसका, ठीक है। जो सीलिएटेड है बेटा ये कहां कहां मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब में, और जो अपने ट्रेकिया पार्ट है उसके अंदर बेटा। स्क्वैमस, जो बूमन कैप्सूल की लाइनिंग है बेटा वहां, और दूसरा जो हमारे लंग्स हैं, एल्वोलाई सैक है बेटा, उनके चारों ओर की कवरिंग बनाता है, ठीक है। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल अपने नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो पीसीटी है बेटा उसके संदर्भ में बात करती, और पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा किस वजह से होता बेटा? ब्रश बॉर्डर की वजह से। तो ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ये याद रखना बेटा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्रश बॉर्डर जो है बेटा उसके एग्जाम्पल कहां होगा? पीसीटी पार्ट के अंदर है बेटा, पीसीटी पार्ट, जो अपना नेफ्रॉन जो होता है उसके पीसीटी पार्ट के अंदर, अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, द जंक्शन स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। अब भाई सब्सटेंस का
आना जाना ही नहीं हो रहा. अब आना जाना नहीं हुआ, इट मींस जंक्शन कैसे बेटा, टाइट जंक्शन है. कैसा जंक्शन है? टाइट जंक्शन. एक दूसरे पे टाइटली अटैच हैं वो सेल्स. ठीक है, ओके. कनेक्शंस जो होते हैं बेटा वो कहां मिलेंगे अपने? गैप जंक्शन के अंदर, जिनके थ्रू सब्सटेंस एक्सचेंज होता है. डेस्मोसोम्स जो होते हैं बेटा, एडहेरिंग जंक्शन जो होते हैं बेटा, उनमें प्लेट बनी होती है. ठीक है, उनके थ्रू वो अटैचमेंट रहता है. तो जिसके थ्रू सब्सटेंस नहीं जा पा रहा बेटा, वो टाइट जंक्शन है. तो आंसर हो गया टाइट जंक्शन बच्चे. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 92, आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिवन फिगर. इसमें क्या है, ए ये वाला पार्ट है बेटा यहाँ पर. तो जो ए है वो किसको दिखाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को बच्चे. किसको दिखाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. बी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड सी इज सीलेटेड कोलमनर. कोलम लाइक है और सीलिया प्रेजेंट होते हैं बेटा. तो इसके अनुसार जो अपना आंसर आता है बेटा वो हो जाता है सेकंड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, इसके अंदर क्या पूछा गया बेटा कि आइडेंटिफाई द एबीसी इन ए गिवन डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू का डायग्राम दे रखा है. ए जो है बेटा वो फैट को दिखा रहा है, बी जो है वो न्यूक्लियस को, और सी जो है वो किसको, इसकी जो मेम्ब्रेन है बेटा, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं. तो इसके अनुसार बेटा स्टोर्ड फैट हो गया न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्टोर्ड फैट एरिया न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आंसर हो गया फोर्थ बेटा. 93 का फोर्थ आंसर हो जाता है बच्चे. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, कंसिडर द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स जो दिए गए बेटा उनको कंसिडर करके अरेंज ऑफ दिस ल्यूकोसाइट अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग डीसीएल. डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाना बेटा. परसेंटेज देख लेते हैं. सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है बेटा वो न्यूट्रोफिल का होता है 60 से 65%. उसके बाद लिम्फोसाइट्स आते हैं 20 से 25%. ठीक है, फिर मोनोसाइट्स आते हैं बेटा 6 to 8%. फिर एसिडोफिल्स आते हैं 2 to 3%. और फिर बेसोफिल 0.5 से 1%. तो इसके अनुसार जब डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं बेटा तो सबसे ज्यादा पहले आना चाहिए, फर्स्ट पे आना चाहिए न्यूट्रोफिल, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड. जो सेकंड ऑप्शन है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर का, तो आंसर हो गया सेकंड बच्चे इसका. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 95, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन. ए जो है वो एग्जोन को शो कर रहा है. एग्जोन टर्मिनल एग्जोन हो गया बेटा. ये सेल बॉडी जिसको हम साइटोन कहते हैं. जो डी है बेटा वो डेंड्राइट्स, और सी जो है बेटा वो न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया को शो करता है, जो इसकी स्पोर्टिंग और एसेसरी सेल्स होती है बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं इसको. तो इसके अनुसार जब हम मैच करते हैं बेटा, ए एक्सोन, बी सेल बॉडी, सी इज न्यूरोगिलिया, डी इज डेंड्राइट, फोर्थ आंसर हो जाता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा गया बेटा, नेम टू ह्यूमन ह्यूमन बॉडी सेल्स विच शो सुडोपोडियल मूवमेंट. बेटा इट मीन सुडोपोडियल का मतलब ये हुआ अमीबियोइड, जो अमीबा होता है बेटा उसकी तरह मूवमेंट शो करते हैं. तो ये क्वेश्चन रिलेट हो गया अपना जो लोकोमेट्री ऑर्गन है बेटा, जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर उससे रिलेट करके दे दिया. तो यहां पर क्या है बेटा, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफाजेस होते हैं बेटा, ये शो करते हैं वहां पर, दिया है अपनी बुक के अंदर डायरेक्टली. तो ये कैसे शो करते बेटा, जो पैरापोडिया है बेटा अमीबियोइड जो मूवमेंट है उसकी तरह शो करते हैं. ओके, तो आंसर जो है बेटा इसका फर्स्ट रह जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, एपिथेलियल टिश्यू इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल जो टिश्यू है, बाय इट्स बेटा, क्योंकि इसके लास्ट में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है. जैसे ये अपनी एपिथेलियल टिश्यू हो गया, इसके नीचे ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है. ये जो है ये होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे जो भी टिश्यू होगा बेटा वो प्रेजेंट रहेगा. कोई भी टिश्यू हो सकता है, कनेक्टिव हो सकता है, बाकी जो दूसरे हैं मस्कुलर हो सकता है, न्यूरल हो सकता है बेटा, वो प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो आंसर हो गया इसका फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 98, इन और एन एन ग्लैंड एंड एंटायर सेल ब्रेक डाउन्स टू
फॉर्म दी सिक्रीशन, पूरी सेल टूट जाती है बेटा, ठीक है। उस तरह का क्या होता है कि ये जैसे सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये सिक्रेटरी सब्सटेंस बेटा, और ये पूरी सेल बेटा अपने बेस से हट गई, और अपना जो सेल पूरी हटी बेटा, और उसके अंदर जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है वो भी प्रेजेंट है, और ये बाद में यहां से मेम्ब्रेन हट जाएगी और सिक्रेटरी सब्सटेंस रिलीज हो जाता है बेटा। इस प्रकार की जो ग्लैंड है बेटा उनको होलोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोक्राइन। अगर ग्लैंड बेटा सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा है और जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है बेटा वो केवल एपिकल पार्ट से रिलीज हो रहा है, जो सिक्रीशन है वो एपिकल पार्ट से रिलीज हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? मीरोक्राइन टाइप का, ठीक है। क्या कहलाता है? मीरोक्राइन। एपिकल से रिलीज हुआ तो मीरोक्राइन, ठीक है। अगर पिंच ऑफ हो गया बेटा यहां से, अगर सेल है और वही सेल बेटा अगर लेते हैं, अगर वो अपने बेस से ऐसे पिंच ऑफ बनाती है बेटा, और इसमें अपना सिक्रेटरी सब्सटेंस है ये न्यूक्लियस, और ये फाइनली वेसिकल के रूप में रिलीज हो गया सिक्रेटरी सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस बाहर रिलीज हो जाएगा, तो इस टाइप का जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं एपोक्राइन, ठीक है। ऑटोक्राइन क्या होता है? वो ग्लैंड बेटा जिसकी सेल सिक्रेटरी सब्सटेंस को रिलीज करे, बाहर रिलीज कर दिया बेटा, और ये जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है इसी सेल के ऊपर काम करे, इसी के पास रिसेप्टर उनके साथ जुड़ जाए बेटा, तो ये होता है ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जोक्राइन जो डक्ट ग्लैंड्स होते हैं बेटा, जिनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, इन ये क्या है? डक्ट ग्लैंड होते हैं बेटा, ठीक है। तो अपना आंसर जो इसके अनुसार बेटा क्या आ जाता है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज मिसमैच विद देयर मैट्रिक्स, गलत मिलान जिसके साथ देखना बेटा मैट्रिक्स के साथ। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लूज पैकिंग होती बेटा, मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीनियस फाइबर, कोलेजन फाइबर्स का लूज पैकिंग है, एकदम करेक्ट है। बोन मिनरलाइज मैट्रिक्स रहते, एकदम करेक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का रहते बेटा। थर्ड कार्टिलेज हाईली वेस्कुलर, नहीं बेटा इसमें प्रोटियोग्लाइकेंस और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये नहीं रहता बेटा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ब्लड फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव है, सही है, हमारी बॉडी में जो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू बेटा वो ब्लड ही होता है, ठीक है, मेन ब्लड एंड लिम्फ। तो अपना जो आंसर है, जो गलत मैच है बेटा, वो क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर प्राइमरी क्लासेस ऑफ टिश्यू, प्राइम चार जो मेजर टिश्यू बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। अब देख लो इनमें से कौन सा नहीं है, कनेक्टिव है, एपिथेलियल है, मस्कुलर है, कार्टिलेजियस नहीं होता बेटा, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का ही एक टाइप है, ओके। तो अपना आंसर हो गया फर्स्ट बेटा। 101, विच इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया का काम क्या बेटा? न्यूरोगिलिया बेटा अपने जो नर्व्स होती हैं, नर्व टिश्यू हैं, उनको सपोर्ट देता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड बाइंड नर्व टिश्यू टुगेदर एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूरॉन्स, ब्रेन को नहीं बेटा, ब्रेन क्या सभी न्यूरॉन्स को देता है। हेल्प नर्व ग्रो एंड रैपिड, बेटा ग्रोथ तो होता ही नहीं है इसके अंदर क्योंकि सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। सपोर्ट एंड बाइंड स्पाइनल कोड विद वर्टिब्रा कॉलम के साथ नहीं जोड़ेगा बेटा, उसके अंदर से प्रेजेंट रहता है। 101 का आंसर हो गया फोर्थ, और 102 है बेटा, थ्री एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट न्यूरॉन्स आर, न्यूरॉन के मेन जो थ्री कंपोनेंट है बेटा वो क्या होता है? एक्सोन, फिर क्या रहता है बेटा, एक साइटोन, और एक क्या रहता है? डेंड्राइट्स। ये मेजर तीन कंपोनेंट्स है बेटा। तो यहां कहां का बेटा, ये देखिए, एक्सोन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, तो सेकंड आंसर हो जाता है अपना। 102 के बाद आता है बेटा 103, द ओनली टाइप ऑफ मसल विच या विद मल्टी न्यूक्लेटेड फाइबर्स इज,
मल्टी न्यूक्लियेटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते बेटा, मल्टी न्यूक्लियेटेड एक ही मसल है बेटा जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, ठीक है, जो हमारी बोन है उसके साथ अटैच रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाता बेटा इसका, विसरल स्मूथ है, ये भी स्मूथ में आती बेटा, और कार्डियक हार्ट के पास रहती है, ये नहीं आएंगे बेटा, अंडरस्टैंड। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 104, द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ बोन्स, जो बोन्स होती है बेटा उनके एंड पार्ट पर, जो ये एंड पार्ट है बेटा यहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कौन सा? जब वो ग्रो या कम्युनिकेट करती रहती है बेटा जॉइंट के पास। और ये जो कार्टिलेज है, ये एग्जांपल है बेटा अपना हाइलाइन कार्टिलेज का, ठीक है। जो येलो फाइब्रस कार्टिलेज बेटा वो नोज टिप पे ERP9 के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कैल्सिफाइड जो है वो बोन्स के पास रहता है बेटा, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, हार्डेस्ट कार्टिलेज है बेटा ये, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस जो कनेक्टिव जो कार्टिलेज है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है बच्चे, वो किस में प्रेजेंट होता है? अपने जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105, इंपल्स मूविंग ऑन ए न्यूरॉन व्हेन पासेस ऑन टू नेक्स्ट न्यूरॉन एसेंशियल कॉज। अब क्या करें भाई, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास गया तो वो अगले न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट या स्टिमुलेट करेगा, इसके संदर्भ में बात की बेटा। वो दोनों में से कोई भी कर सकता है, आइदर इनहिबिट और स्टिमुलेट दी नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा ये, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से आ जाता है कई बार, बहुत बार पेपर्स में आपने रीड किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल। अब एक सेल है उसके साथ दूसरी सेल अटैच हो गई बेटा, और जो कनेक्शन बनता बेटा कनेक्शंस के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? गैप जंक्शन। इसके अंदर ये जो ए सेल है और बी सेल है, दोनों का जो साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन जो होता है वो क्या रहेगा? सेम रहता है, आइसोटोनिक टाइप का रहता है बेटा, ठीक है। तो क्या रहेगा यहां पर? कनेक्शन हो रहा है बेटा दोनों सेल्स का, कम्युनिकेशन कर रही है, तो वो गैप जंक्शन के थ्रू करती है बच्चे, ओके। तो थर्ड आंसर हो गया। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 107, ग्लैंडुलर एपिथेलियल इज स्पेशलाइजेशन ऑफ किसकी मॉडिफिकेशन से बना बेटा? वो कोलमनर और क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल टिश्यू होते बेटा, इन दोनों के मॉडिफिकेशन से अपने जो ग्लैंड्स हैं बेटा, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ग्लैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ आंसर हो जाता बेटा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन। भाई जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं अगर उनका यूज नहीं होता है तो वो कहां स्टोर हो जाते हैं? अपने एडिपोज टिश्यू के अंदर, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू बेटा उसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो उसमें एडिपोज टिश्यू बेटा उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर अपना सेकंड हो जाता है बेटा इसका। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 109, मोस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, इनमें से मोस्ट स्पेशलाइज जो टिश्यू है बेटा वो कौन सा होता है? तो मोस्ट स्पेशलाइज क्या बेटा? नर्व्स हैं, जो अपना नर्वस टिश्यू होता है बेटा वो सबसे अधिक स्पेशलाइज टिश्यू होता है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 110, क्या दिया? आइडेंटिफाई ए एंड बी इन ए गिवन डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बेटा ये जो ए है ये किसको दिखा रहा है? अपने यूनिसेलुलर ग्लैंड को, और बी जो है वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड को शो करता है, ग्लैंड को शो करता है बेटा। तो इसके अनुसार जब मैच करते हैं, ए इज यूनिसेलुलर, बी इज मल्टीसेलुलर, तो आंसर हो गया फर्स्ट बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 111,
The hardest cartilage of our body, जो hardest cartilage है बेटा, वो कौन सा होता है? Calcified. जो calcified cartilage है, वो सबसे hardest cartilage होता है, ठीक है? जो glass-like cartilage है बेटा, वो hyaline cartilage है, और elastin सबसे flexible जो cartilage है बेटा, वो रहता है, और white fibrous जिसके अंदर strength power सबसे अधिक रहती है बेटा, ठीक है? तो answer हो गया अपना second. Next जो है क्वेश्चन नंबर 112, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल. लेयर्स लिखा बेटा, बहुत सारी लेयर्स हैं फ्लैट सेल्स की. अब लेयर आ गई, एक से अधिक हो गए तो स्ट्रेटिफाइड हो गया बेटा, स्ट्रेटिफाइड तो आएगा ही. अब फ्लैट सेल हैं तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ठीक है? तो आंसर हो गया सेकेंड बेटा. स्क्वैमस एपिथेलियल नहीं कह सकते क्योंकि वो सिंपल को भी शो कर सकता है और स्ट्रेटिफाइड को बेटा. तो यहां लेयर्स लिखा है तो स्ट्रेटिफाइड अपने को टिक करना पड़ेगा इसके संदर्भ में, ठीक है? तो आंसर हो गया अपना सेकंड 112. नेक्स्ट 113, विच टाइप ऑफ टिश्यू चेंजेस डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स. भाई ऐसा कौन सा टिश्यू इन चार में से जो ब्लड वेसल्स को डायमीटर को चेंज करता है बेटा? इट मींस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होगा, और वो मसल्स का काम होता है बेटा, और मसल्स यहां है फोर्थ आंसर बेटा, ठीक है? तो आंसर हो गया अपना फोर्थ, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 114, The diffusion boundary of air sacs of lungs has, जो हमारे alveolize होती हैं बेटा, उनकी जो ये membrane बनी होती हैं, ये squamous epithelial tissue से बनी होती है, simple squamous epithelial tissue, ठीक है बच्चे? कौन सी होती है? Simple squamous epithelial tissue. तो answer हो गया simple squamous epithelial tissue बच्चे. Understand? स्ट्रेटिफाइड नहीं रहता बेटा, यहां पर एक सिंगल लेयर रहता है कि गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाए ब्लड के साथ. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. भाई इनमें से कौन सा जो विशेषता है, जो लक्षण है बेटा, जो एपिथेलियल टिश्यू का होता है? दे आर हाईली वेस्कुलाइज बेटा, हाईली वेस्कुलाइज नहीं रहती है. दे नर्व, दे नेवर प्रोड्यूस ग्लैंड्स बेटा. ये कहता है ग्लैंड्स का प्रोडक्शन नहीं करता बेटा, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स का प्रोडक्शन करता है बेटा, जो कोलमनर और अपनी कौन सी जो क्यूब, जो क्यूबोइडल टाइप के थे एपिथेलियल, वो ग्लैंड्स का प्रोडक्शन करते हैं. तो ये इनकरेक्ट दे रखा है यहां पर, ठीक है? दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस. नहीं बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस यहां पर बहुत कम रहता है. क्या रहता है? कम रहता है. दे हैव रैपिड रेट ऑफ सेल डिविजन. हाँ, रैपिड रेट ऑफ सेल डिविजन होता है. क्यों? हमारी स्किन जो है बेटा, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू है. हर दिन हमारी सेल्स हटती जाती हैं और नई सेल्स आती हैं. इट मींस उसमें क्या है, रिपेयरिंग पावर ज्यादा है, तो सेल डिविजन भी अधिक होता है. तो आंसर हो गया अपना फोर्थ 115 का. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, द टाइप ऑफ मसल फाउंड इन हार्ट. हार्ट के अंदर सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. हार्ट में कार्डियक मसल है बेटा, जो अपने आप फंक्शन करती है, जो कभी भी नहीं थकती है. अगर वो थक गई तो हम इस संसार से थक जाएंगे, ठीक है? तो आंसर हो गया अपना कार्डियक मसल्स फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म लैक्यूने विद रेफरेंस टू द बोन डिनोट्स. फर्स्ट, कंसेंट्रिक रिंग्स इन विच ऑस्टियोसाइट्स आर अरेंज. बेटा इसको क्या कहते हैं? लेमिली कहते हैं, लेमिली बोलते हैं. तो ये नहीं आएगा, द स्पेस हाउसिंग ऑस्टियोसाइट. हाँ, स्पेस होता है बेटा ये, जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट? प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन ज्वाइनिंग एडजेसेंट ऑस्टियोसाइट्स, एक दूसरे ऑस्टियोसाइट को जो जोड़ रहा है बेटा, उसको हम हर्वेशियन कैनाल प्रेजेंट होती है इसके बीचों बीच, ये भी नहीं आएगा. ओब्लिक कैनाल, जो ओब्लिक कैनाल है बेटा, ज्वाइनिंग एडजेसेंट हर्वेशियन कैनाल, एक हर्वेशियन कैनाल, ये हर्वेशियन कैनाल है, और दूसरे जो ऑस्टियोसाइट्स है बेटा, उनके हर्वेशियन कैनाल है. इनको आपस में जो जोड़ता है बेटा, आपस में जो कैनाल जोड़ रही है इन दोनों को, इसको और इसको, दो हर्वेशियन कैनाल को, इसको वोल्कमैन्स कैनाल कहते हैं. वोल्कमैन्स कैनाल कहते हैं बेटा. तो ये भी नहीं आएगा, तो आंसर हो गया अपना सेकंड बेटा, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 118, मैच द कोलम. भाई कोलम है, इनको मैच करना है करेक्टली. आरबीसी ब्लड एलिमेंट होता है, हर्वेशियन कैनाल जो लॉन्ग बोन्स होती है बेटा उनके अंदर प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोसाइट्स
अपने जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं बेटा वो होती हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं, करेक्ट। पेरी ओस्टियम, ओस्टियम वर्ड यूज फॉर बोन, पेरी मतलब एनलोप, तो बोन एनलोप हो गए बेटा। कॉन्ड्रियोसाइट कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है, कार्टिलेज की फॉर्मेशन जो सेल्स होती है उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं बेटा। तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फिफ्थ, ठीक है, और सी जो है बेटा उसका सेकंड, और डी का फर्स्ट, एक जो ई है बेटा उसका थर्ड। तो आंसर हो गया बेटा अपना फोर्थ, सी का सेकंड है बेटा ये देंगे, ठीक है, तो आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट 119, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, भाई कौन सा इनमें से कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ब्लड फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है, करेक्ट। बोन हमारा फ्रेम, बॉडी फ्रेम जो बनता है बेटा, ठीक है, तो स्केलेटल बना है बेटा, वो भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज इज आल्सो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मसल एक अपने आप में अलग से बेटा, जिसके थ्री टाइप्स पढ़ते हैं हम, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तो ये अपने आप में अलग है बेटा, ये इसके कंसर्न में नहीं है, तो अपना आंसर थर्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, इन द गिवन डायग्राम द टीएस ऑफ कार्टिलेज आइडेंटिफाई, तो टीएस ऑफ कार्टिलेज आइडेंटिफाई ए एंड बी, जो ए और बी है बेटा उसके संदर्भ बेटा, तो ए जो है बेटा वो क्या है, अपने जो कोलेजन फाइबर्स है बेटा उनको दिखा रहे हैं, कोलेजन फाइबर्स को दिखा रहे हैं, और जो बी है वो कॉन्ड्रियोसाइट्स जो है कॉन्ड्रियोसाइट्स को शो करता है। तो इसके अनुसार जो अपना आंसर बनता है बेटा वो कौन सा हो जाता है, फर्स्ट, कौन सा हो जाता है, फर्स्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स ऑफ योर नीट एंड प्रिपरेशंस, ठीक है, डू वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।